गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफ़दर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और आज वीकेंड है, सब लोग खुश होंगे। कुछ लोगों को आज ऑफ होगा, लेकिन कुछ लोग आज भी काम पे मौजूद होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। लेकिन इस चीज़ की खुशी ज़रूर होती है कि कल संडे है और वीकेंड को अच्छे खासे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो जी अल्लाह करे आप सबका ये वीकेंड भी बहुत अच्छे से गुजरे और हंसते मुस्कराते आपकी ये छुट्टी भी गुजर जाए। तो नाज़रीन, वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त बदल देता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है। वो इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वो ख़ुद को नहीं बदलता। तो हमें ख़ुद को बदलना है पहले और फिर हमें दूसरी चीज़ों को चेंज करना है। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि अगर हम परेशान हैं तो हमें ये चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए। चीज़ों के चेंज होने से कुछ नहीं होगा। चेंज तब आता है, तब्दीली तब आती है जब आप ख़ुद को चेंज करते हैं। तो ख़ुद को बदलिए, ना कि अपने दोस्त बदलिए, ना कि अपने घर बदलिए, ना कि लिबास बदलिए। इन चीज़ों से तब्दीली नहीं आती। हाँ, एक 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 सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको थोड़ी टाइम के लिए ये लगना शुरू हो जाता है कि हाँ काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ख़ुद को बदलिए। और आज के शो की अगर बात की जाए तो आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। आखिर ये वायरस है क्या? इससे ज़्यादा खौफ है लोगों में इस वायरस के बारे में कि अल्लाह जाने ये क्या बीमारी है, किस तरह से ये लग जाएगा। शायद अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना वायरस है, अगर वो उसके पास भी खड़ा होगा तो उसको भी हो जाएगा, या उसको टच करेगा तो भी हो जाएगा। ये पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशान ना होइए। और इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसे एहतियाती तदाबीर कहते हैं। किसी भी बीमारी, किसी भी वायरस से बचने के लिए आप ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, उस बारे में ज़रूर ख्याल कीजिए, एहतियात कीजिए। अपना, अपने बच्चों का, इर्द गिर्द के लोगों का, अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का ख़ास ख्याल रखिए। ना कि इस चीज़ में इतना खौफ पैदा करते हैं कि आप किसी से बात भी नहीं कर रहे। आप किसी से इस बारे में, अगर आपके पास भी कोई खड़ा होता है, खुदा ना खासा अगर उसको नॉर्मल फ्लू, जो कि हमारे यहाँ हो जाता है एशिया में, हमारे यहाँ नॉर्मल एक बीमारी है, तो उससे भी आप डर जाते हैं। इस तरह मत कीजिए, ख्याल रखिए, वायरस के बारे में पढ़िए। और आज भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये वायरस है क्या, क्यों है, किस तरह से बचा जा सकता है, एंटीबायोटिक क्या है, कैल्शियम का इस्तेमाल क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। अक्सर हम कैल्शियम की मेडिसिन लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं, वो कहते हैं ना हर चीज़ की ज़्यादती भी ठीक नहीं होती, बेशक वो फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान देना शुरू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ एक कौमी मेडिसिन है जिसे हम पैनाडोल कहते हैं, पेन किलर, वो हर कोई लेना शुरू कर देता है। क्या आपको डॉक्टर से पूछे बगैर पेन किलर लेना चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? किस हद तक आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? इसको कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन। हम घर में ही डॉक्टर बन जाते हैं, घर में डॉक्टर ना बनिए। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को डॉक्टर बना दिया है, जिनका ये काम है, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि जनाब हम बीमार हैं या हमें कुछ इस तरह की बीमारी है या सर में दर्द है, तो जो वो आपको सजेस्ट करे वही इस्तेमाल कीजिए। अपने साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ इस तरह मत कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन से बहुत से नुकसान हो जाते हैं जो कि बाद में आपके लिए मजबूरी बन जाती है, फिर कोई ना और बीमारी निकल आती है। तो बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाइए। उसके अलावा हम मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे कि आजकल मैं देख रही हूँ कि नए बच्चे बड़े आ रहे हैं मॉडलिंग में। एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है मॉडल बनने का। पहले क्या होता था कि हम लोग अगर लड़की मॉडलिंग करना चाहती थी तो हमारे यहाँ रिवाज नहीं था मॉडलिंग का, गलत समझा जाता था मॉडलिंग को। हम कहते थे कि बेटी क्यों करना चाह रही है, मॉडलिंग क्यों करना चाह रही है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बन जाए। और इसके अलावा हमने लिमिटेड कर दिया था अपनी ख़वातीन को। लेकिन अब नए लोग मॉडलिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, एक्टिंग की तरफ आना चाह रहे हैं। तो कितना मोटिवेट किया जा रहा है हमारे यंगस्टर्स को और किस तरह से उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है? क्या वो खुश है मॉडलिंग करके? क्या मॉडलिंग करना आसान काम है? इसके अलावा हमारे पास अल्लाह ने बड़े खूबसूरत लोग इस दुनिया में भेजे हैं, दूसरों की मदद कर रहे होते हैं डिफरेंट वेज में। हम कहते हैं सोशल वर्कर वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, उसका बैंक बैलेंस भरा होगा, तो वो क्या करेगा, वो सोशल वर्क करना शुरू कर देगा, दूसरों की खिदमत करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है। आपके पास पैसे हों अच्छी बात है, आप सोशल वर्क कर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप अपनी सर्विसेज से, अपनी खिदमत से किसी की हेल्प करके भी सोशल वर्क कर सकते हैं। तो किस तरह से लोग काम करते हैं, किस तरह से उन लोगों को जो महरूम है बहुत सी चीज़ों से, खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ने किसी को महरूम पैदा नहीं किया, सहूलतों से महरूम है। आज के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते, जिन्हें काम भी करना होता है, उन लोगों को कैसे सोसाइटी में अपने साथ लेके चलते हैं, किस तरह उन्होंने उनके बाजू अपने हाथों में ले लिए हैं, किस तरह से उन्हें सर्वाइव करना सिखा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं और आज मेरे शो में भी मौजूद हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। रोटरी क्लब के बारे में भी बात करेंगे। रोटरी क्लब क्या है, इसकी मेंबरशिप कैसी होती है, रोटरी क्लब के लोग दूसरों को कैसे हेल्प करते हैं, और ये तो बिल्कुल भी किसी के बर्डन नहीं बनते, खुद से हेल्प करते हैं सबकी मिलजुल के। रोटरी क्लब के बारे में भी आज हम बात करेंगे। ये एक गेट टुगेदर होता है जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, जो अपना कोई बिज़नेस रन कर रहे होते हैं, ये वो लोग होते हैं। ये छोटी सी स्टार्ट किया गया था, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूँ तो दो या तीन लोगों में ये दोस्त थे
जिन्हें बुलाया गया कि घर में गेट टुगेदर होगा, लेकिन रोटेट करके एक दिन मैं आपके घर आऊंगा, नेक्स्ट डे आप और मेरे घर आ जाइएगा, इस तरह से ये स्टार्ट किया गया था। इस बारे में आज हम बात करेंगे। सिंगिंग के बारे में भी आज हम बात करेंगे जनाब, कि एक सिंगर किस तरह से सर्वाइव करता है, कितना मुश्किल हो गया है सिंगर के लिए भी सर्वाइव करना। जब भी हम किसी सिंगर से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि मैं फर्स्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, अब जो सिंगिंग मेरा पैशन था वो अब मेरी हॉबी बन गई है। इस बारे में भी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कोरोना वायरस के बारे में आज ज़रूर बात करेंगे। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बड़े प्यारे मेहमान हैं जी, हाफिज़ मोहम्मद ताहिर साहिल। कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने एक बड़ा अहम टॉपिक पे आज बात करनी है, और ये आजकल आप देखते हैं सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरफ ये एक कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल रही होती है कि ये हो रहा है, खुदा ना खास्ता। इस बारे में भी आज हम आपसे बात करेंगे। हर जगह पे ऐसा ही, हर जगह पे एक ना डर, एक खौफ की वबा जो है ना, वो एक जो है ना पैदा हो चुकी है। हर लोग हिरासत में है कि वो क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आया ये पहुंच गया है के नहीं है, यहाँ पे कैसी पोजीशन है, ऐसा कोई मामला नहीं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह जी। इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी छोटी सी मॉडल है जी, अभी पढ़ भी रही है, मैट्रिक में है, लेकिन अपना काम कर रही है, बड़ी प्यारी जबरदस्त हमारी मॉडल है जी, लाइबा इलियास। कैसी है लाइबा? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी क्यूट सी छोटी सी आप मॉडल हैं, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे देख के कि आपने काम करना शुरू किया हुआ है, आप में इतना पैशन है कि स्टडी के साथ साथ आप काम भी कर रही हैं। और जी इनके साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज हैं जी, फैसलाबाद से आए हैं। बड़ी खुशी होती है कोई ट्रैवल करके हमारे लिए आता है हमारे एक फ़ोन कॉल पर, तो हम वेलकम करना चाहेंगे अपने बड़े ज़बरदस्त मेहमान का जी, अवैस साकी हैं हमारे साथ। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, इसके अलावा भी काफ़ी काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। इनके साथ जी हमारी ज़बरदस्त मॉडल हैं, आज हमारे शो में दो दो मॉडल्स हैं, हम दोनों की राय लेंगे मॉडलिंग करना कितना आसान है, मुश्किल है या बड़ा चिल सा काम है। तो वेलकम करना चाहूँगी अरूज को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अरूज, कैसी आप? थैंक यू सो मच, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल फिट हूँ, इसलिए मैं मुस्कुरा के शो करती हूँ आपके साथ में बैठ के, क्योंकि आपकी दुआओं से शो चल रहा होता है, क्योंकि आप सबकी दुआएं चल रही होती है, मेरी टीम मेरे साथ चल रही होती है। खुदा ना खास अगर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो, मेरी टीम इतनी कोऑपरेटिव है, वो मेरे साथ खड़ी हो जाती है। और आपको पता है टीम के साथ सारा ऐसे ही है। सर कोरोना वायरस का मैंने जिक्र किया, ये क्या है और ये क्यों हम सब डर गए हैं? यू आर राइट मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? हाँ जी कोरोना है क्या? कोरोना क्या क्या है? इसे जब इस वायरस को जो है जब हम माइक्रोस्कोपिक आई से देखते हैं तो ये इसकी जो शेप है वो क्रोन की तरह है, कोरोना वायरस। ये कहाँ पे पैदा हुआ और ये आया कहाँ से? जी ये कोरोना वायरस जो है बेसिकली बैट्स जिसे हम चमगादड़ कहते हैं, ये उसके अंदर ये वायरस पाया जाता है। और ये चाइना के एक सूबा है वुहान जो है ना, वहाँ की फिश मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा बैट्स रैट्स और स्नेक्स बहुत ज्यादा जो है सेल आउट होते हैं। स्नेक्स में कैसे आ गया? एज यू नो कि जब आपने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा हो तो स्नेक्स जो है ना बैट्स को जो है ना वो खाते हैं, दैट्स व्हाई जो है स्नेक्स के अंदर भी ये पैदा हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे चाइना के अंदर जो है ना ये बैट्स और स्नेक्स की जो है ना बहुत ज्यादा एज ए फूड जो है यूटिलाइज करते हैं, दैट्स व्हाई वहाँ से ये इंसान के अंदर कन्वर्ट हुआ और वहाँ से इसने अंदर इंसान के जाके किया गया बेसिकली। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मेरी करेक्शन मुझे बता दीजिएगा कि ये उनके सूप से हुआ है, उनके सूप पिया गया एज ए सूप, इसे यूज करते हैं डाइट के तौर पे, फूड यूज करते हैं। और आपको पता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही 1400 साल कुछ चीज़ों को हराम किया, कुछ को हलाल किया है। जब ऐसी अब हराम चीज़ें कुछ खाएंगे उनका तो फिर ऑब्वियसली उनके साइड इफेक्ट जो है ना वो आएंगे। तो जब उन्होंने ये फूड यूज किया इससे ये वायरस इंसानों के अंदर मुंतकिल हो गया। ओहो, अब इस वायरस ने किया क्या जाके बेसिकली? ये वायरस बेसिकली जाके आपके थ्रॉट इन्फेक्शन कर देता है, आपके लंग्स को इफेक्ट करता है बेसिकली, फौरन से जाता है। तो इसके आपको जो प्रॉब्लम आती है नॉर्मल, इससे आपको स्नीजिंग इनिशियल स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल अगर फ्लू हो तो फ्लू हो जाता है, छींकना शुरू कर देते हैं, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, रेड आईज हो जाएंगी, आपको फ्लू स्टार्ट हो जाएगा, आपका थ्रॉट इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको टेम्परेचर आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना ये आपके लंग्स को जो है वहाँ पे हमारे एल्विओलाई होती है उसे इन्फेक्ट कर देगा। और लंग्स का क्या काम है? ये ऑक्सीजन जो है ना इनटेक करता है, हम सांस जो है के थ्रू ले रहे होते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि बुखार भी हो जाता है, बुखार हो जाता है, हमारे यहाँ एक बीमारी आती है जिसको डेंगू कहते हैं, जो मच्छर से हुई थी, तो उसमें भी फीवर होना शुरू हो गया था, हम तब भी पैनिक हो गए थे, हम तब भी डर गए थे बजाय इस चीज के। तो पैनिक नहीं हो ये, इसको इजी होके ले। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस वक्त पाकिस्तान में कोई एक ऐसा सिंगल पेशेंट भी जो है वो कोरोना वायरस से इस वक्त जो है ना वो डायग्नोज नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये बिल्कुल जो है एक खौफ पैदा
हो गया पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है, उसने हमें पाकिस्तान में जितने भी वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं वहाँ पे, उन्हें वहीं पे स्टे करवाया और वहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट जो है उनकी प्रॉपर केयर कर रही है, ट्रीटमेंट उनका कर रही है, बल्कि हमें हेल्प करना है उन्हें मज़ीद पैनिक नहीं करना, उनकी यहाँ पे फैमिलीज को हमें उन्हें जो है ना मोटिवेट करना है, हेल्प आउट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अभी जो है ना एक दोस्त से बात हुई, वो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पीएचडी की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है इतना जितना सोशल मीडिया पे इसे हाईलाइट किया जा रहा है। बिल्कुल ट्रू। और इसी हवाले से आप देखेंगे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कह दिया, अगर किसी एरिया में वबा कोई फैलती है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहाँ के लोग वहाँ से मूव ना करें अगर उन्हें ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है, ताकि अगर वो मूव करेंगे तो दूसरे एरिया से शिफ्ट ओवर होना शुरू हो जाएगी। डेट्स उन्होंने कहा कि वहाँ पे रहें और जो है ना या सबर करो और उससे जो है ना मदद मांगो, तो अल्लाह ताला से वहाँ पे रह के वो सबर करे। यहाँ पे भी जो लोग हैं हम भी उनके लिए दुआगो हैं, वो वहाँ पे सेहतयाब हो और फिर जो है ना वहाँ पे यहाँ से जो है ना स्विच ओवर करे। इवन के कल की एक मैंने जो है ना एक न्यूज देखी, उसमें वहाँ पे लोग अब क्योर करना शुरू हो गए। एक हस्बैंड एंड वाइफ, उन्होंने शो के दिखाया कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स हुई और वो क्योर होना शुरू हो गया। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि चाइना में ये हुआ और चाइनीज जो हैं वो इतने पैनिक नहीं हैं जितने हम हो चुके हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे मजीद लोगों को डरा रहे हैं और काइंडली ऐसा ना कीजिए। अगर कोई हल है तो हल की तरफ आइए, ना कि लोगों को डराइए। जिनके बच्चे यहाँ से बाहर है वो ज्यादा डरे हुए ज्यादा डर गए हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया वो सूप से कन्वर्ट हुआ, सूप से ये कन्वर्ट हुआ, क्या क्या अलामत इसमें? जो अलामत बेसिकली नॉर्मल जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगी, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ्लू स्टार्ट हो जाएगा, आपकी रेड आईज होना शुरू हो जाएंगी, आपको टेम्परेचर होना शुरू हो जाएगा, हेडेक स्टार्ट हो जाएगी, आपके थ्रॉट इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नंबर टू, उसके साथ आपके लंग्स में इन्फेक्शन होता है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना स्टार्ट हो जाता है, विद इन 1 डे 2 डेज 3 डेज, ये इसकी स्टेज है। वो इनिशियल स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ये प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। इस वजह से हमारे यहाँ जो है ना, और इसे ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं है कि अगर लेट से 100 पेशेंट को कोरोना वायरस हो प्रॉब्लम इन्फेक्शन हुआ है तो वो 100 के 100 आया जो है ना वो उन्हें जो है ना अल्लाह माफ फरमाए कि वो डेथ की तरफ जा रहे हैं। नो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें से 97-98% जो है ना क्योरेबल पेशेंट्स हो जाते हैं, दोबारा रिकवर कर जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ स्पेंड जो है ना। किसी दिन में कहीं पे बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, देन जो है ना 100 में से 1 or 2% जो है ना चांसेस है कि वो डेथ की तरफ जो है ना पेशेंट मूव करे। उन्होंने ख्याल नहीं किया जल्दी, उन्होंने जो है ना समझ लेंगे ऑन टाइम उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, ठीक है। हम आपसे खुद जो है ना वो यूज कर दिया, हमने स्टे कर दिया। अगर आप ऑन टाइम डॉक्टर के पास चले जाएं, डॉक्टर इसे डायग्नोज कर दे और प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, तो आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे, ठीक है। मोहम्मद ताहिर, आपसे ये भी पूछेंगे किस तरह से बचा जा सकता है और अगर आपको खुदा ना खासा हो गया किसी पेशेंट को तो वो किस तरह से उसको ट्रीट करें, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको पता है कोरोना वायरस का जो हम बात करें, सोशल मीडिया पे देखा तो डर लगा आपको? आप बिल्कुल नहीं डरना, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कुछ भी नहीं होता, ये बस ठीक है, दुआ कीजिए, खुद को साफ सुथरा रखिए, कुछ भी नहीं होता। बताइए, मॉडलिंग कब स्टार्ट किया आपने? मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए जी। बहुत छोटी थी आपने तो स्टार्ट कर ली। हाँ जी। अभी कौन सी क्लास में पढ़ती है? अभी मैं मैट्रिक में। साइंस पढ़ी है या आर्ट? आर्ट्स। जबरदस्त, अच्छी बात है क्योंकि आप उससे है, फन की तरफ है और आपका रुझान 24 की तरफ है, तो आर्ट्स में ही होना चाहिए। अच्छा, तो कैसे लगा आपको मॉडल बनना है? किसको देख के आप मोटिवेट हुई और किसने कहा कि आप मॉडल बन सकती हैं? मुझे मॉडल्स में ज़्यादातर ना नादिया सईद बहुत पसंद है, तो उन्हें देख के भी मुझे इस तरह लगा कि मुझे भी इस तरह बनना है। मैं अच्छी नहीं लग रही आपको? आप भी बहुत अच्छी हैं। मैं अच्छी लग रही हूँ तो फिर आहिस्ता ना बोलो ना, मुझे आवाज तो आई, मुझे लग रहा मुझसे बात ही नहीं करना चाह रही। नहीं नहीं, आपसे बात कर रही हूं मैं भैया, ऐसे तो ना किया करें। तो कैसा लग रहा है आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, तो बताओ फिर मॉडल्स पसंद थी आपको? जी, जबरदस्त। तो कौन सी मॉडल पसंद है आपको? मुझे नादिया सईद बहुत पसंद है। पसंद है आपको, उनकी लुक्स आपको अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती। तो जब आपने लाइबा ने घर कहा कि मुझे मॉडलिंग करनी है तो अम्मी अबा ने अलाउ कर दिया? जी, मेरी मम्मा का मेरे साथ बहुत सपोर्ट था। जबरदस्त, माशाल्लाह जी। तो अम्मी ने कहा हाँ कर लो। हाँ, तो पहला कौन सा ब्रांड था, ये कौन से लोग थे जिन्होंने आपका पोर्टफोलियो बनवाया और आपकी तस्वीरें बनवाई? मेरी ये क्या नाम है, ताहिर ने, ताहिर सईद है ना, उन्होंने, ठीक है उन्होंने। तो फिर उसके बाद एक दफा फिर मैंने यहाँ पे सैंडल्स में की। बस ठीक है, ठीक हो गया। तो फिर आप एंजॉय कर रही हैं अपनी मॉडलिंग? बहुत।
अब आपने मुझे सही सही जवाब देने हैं, ठीक है? ऐसे जैसे हम बात करेंगे ना जी जी, अब आपने इजी होकर जवाब देने हैं, ठीक है? मैं कुछ भी नहीं पूछती, मैं तो हमें बातें करती हूँ, बड़ा छोटे बातें करने का मैं कहती हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कहती यार किसी को, ऐसे सोशल मीडिया पे देखा कोरोना वायरस के बारे में, आपने कुछ ट्वीट किया? आप भी डरे हुए हैं या नहीं? आपको नहीं देख रहे हैं, उसके दोनों एस्पेक्ट से देख रहे हैं, डर नहीं लग रहा उससे बिल्कुल भी, क्योंकि हम कंफर्म कोई केस नहीं हुआ अभी पाकिस्तान में, और ना अभी उस तरह से पाकिस्तान में आया है, तो अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। दुआगो भी हैं जो लोग हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, और जो वहाँ के लोग भी हैं अल्लाह उनको भी महफूज रखे। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की, इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, मतलब 1-2% है, तो इंशाल्लाह ये लोग जल्दी रिकवर कर जाएंगे। बहुत अच्छा चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है इस पर इकदाम उठा रही है, और हमें अपने पाकिस्तानीज को वहीं पे रखना है और उनको सपोर्ट भी करना है, मोटिवेट करना है, चाइना के लोगों को मोटिवेट करना है, और उन्हें बताना है कि हम आपके साथ है, कोई ऐसा मसला नहीं, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, और कोई इतने डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? एहतियाती तदाबीर है, उनसे वो इख्तियार कीजिए और आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ डेंगू आया था तब भी हम बहुत पैनिक थे, कोई मसला नहीं है, है जो चीज़ है, एक वायरस आ चुका है, अब हमने देखना है कि कैसे खत्म किया जाए और कैसे हम अपने पेशेंट्स को रिकवर कर सकें। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या करते हैं आप फैसलाबाद में? मैडम फैसलाबाद में ऐसे आप एक स्कूल चला रहे हैं? जी बाय प्रोफेशन तो मैं मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, लेकिन साथ साथ सोशल वर्क जो है, जैसे आपने शेर भी पढ़ा होगा, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना तात के लिए कुछ कम ना थे करो बयां, तो हम एक स्कूल चला रहे हैं गोशा इलम के नाम से, फॉर चाइल्ड लेबरर्स अनप्रिविलेज चिल्ड्रंस। हमारा कंसेप्ट मैम इसके पीछे ये था कि हम जो हमारे बच्चे हैं वो तो स्कूल्स में जा रहे हैं, लेकिन जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, वो बच्चे स्कूल एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे जी, उनके पेरेंट्स ने उनको लगाया हुआ है काम पे, वो वहाँ से अर्न करके आ रहे हैं 100-200 रुपीस पर डे, जो कि बहुत मजबूरी भी है ना उनके घर चलाने के लिए, किसी हद तक, किसी हद तक मैडम, किसी हद तक वो मजबूरी, कुछ लोगों को आदत है, ये दो चीजें हैं साथ साथ जी, आदत भी है और मजबूरी भी है। और यकीन करें उन लोगों को मोटिवेट करना और उन लोगों को एजुकेशन की तरफ लेके आना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। हमने इसको स्टार्ट किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 24 चिल्ड्रंस हैं हमारे पास गोशा इलम में, जिनको हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी स्टेशनरी फ्री दे रहे हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते नहीं अपने पास, हम उनके पास जाते हैं, वहाँ पर जाके उनको एजुकेशन दे रहे हैं, वीकेंड क्लासेस ले रहे हैं उनसे। और हमारा इसके पीछे थीम ये है कि वहाँ से जो लोग अच्छे होंगे, जो लोग पिक करेंगे, हमने सारों को साथ लेके चलना है, लेकिन जो हमारे पास ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे, हम उनके पेरेंट्स को जितना वो अर्न कर रहे हैं वो उनको देंगे कि आप अपना जो बच्चा है वो हमें दें और हम उसका स्कूल में प्रॉपर एडमिशन करवाएं। अच्छा, लेकिन पहले हमें उसको शॉर्टलिस्ट करना है और नेक्स्ट मूव उनका ये होना चाहिए। अच्छा गुड, मसला एजुकेशन नहीं है, मसला एजुकेशन तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, मसला ये है कि जो उनके पेरेंट्स को वो अर्न करके दे रहे हैं मंथली, जिससे उनका घर चल रहा है, मसला ये है कि हमने उसको भी कवर करना है और बच्चों की एजुकेशन भी देनी है हमारे फैसलाबाद के अंदर, ताकि बच्चा भी मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाए कि मुझे काम नहीं करना, मुझे एक ही काम करना है, वो है पढ़ना, वो है पढ़ना, बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्त। बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, लेकिन पहले हमें उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना है, शॉर्टलिस्ट करके उनको स्कूल्स के अंदर लेके आना है, स्कूल्स के अंदर ला के उनका एडमिशन करवा के उनके पेरेंट्स को हमने जो है मंथली उसका पे करना है जितना वो बच्चा अर्न कर रहा है। और इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर यहाँ से ही आपको बहुत अच्छे बच्चे निकाल के दिखाएंगे इस मुशायलम से, और हम करीब इंशाल्लाह पूरे पंजाब और केपी के में इसकी ब्रांचेस ओपन करने जा रहे हैं। अरे माशाल्लाह। अच्छा अवैस, मुझे ये जो आपने इतने जबरदस्त स्कूल के बारे में मुझे बताया, मैं बड़ा इंप्रेस हुई और ये अच्छी चीज़ है, और मैं बड़ा मोटिवेट करती हूँ ऐसे लोगों को, अप्रिशिएट करती हूँ जो पाकिस्तान के बच्चों के लिए कुछ करते हैं, और वो बच्चे जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा होता, आप जब स्टेप लेते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। अवैस मुझे बताइएगा कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे आइडिया आया एक स्कूल बनाने का, कौन कौन लोग साथ थे आपके साथ, डायरेक्टर्स कौन है, किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया? 2017 में हमारा रोटरी क्लब ऑफ फैसलाबाद स्टार्ट हुआ, मैं उसका चार्टर प्रेसिडेंट था। अच्छा, तो हमारा रोटरी की तरफ से हमें एक टास्क मिलता है कि आपने एक साल के अंदर एक आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट सबमिशन करनी होती है, तो हमने उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मेरे साथ मेरी टीम थी, मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा इबातुर रहमान बाबर को, शहरोज सानिया, ये लोग मेरे साथ थे, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि हमें क्या करना चाहिए, हमने कहा कि वो करें जो कम्युनिटी में कोई इम्पैक्ट भी क्रिएट करें।
तो हमने स्कूल का सोसाइटी को फायदा भी, सोसाइटी को भी फायदा। हमने स्कूल का प्लान किया, हमने अपने रूटेरियन से कंसल्ट किया, हमने इसकी बजटिंग की, और उसके बाद हमने जो हम एक बात बड़ी सीखते हैं कि जब आप कोई नेकी का काम करते हैं और आप खुलूस के साथ कर रहे होते हैं तो ये जो पैसे हैं या फिनंशियल इश्यूज हैं ये मैटर नहीं करते, ये सॉल्व हो जाते हैं जब आप मुखलिस होते हैं किसी काम के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो सारे जब इशू सॉर्ट आउट हो गए तो हमने इसका स्टार्ट किया 2018 के अंदर, और तब से लेके अब तक हम उसको लेके चल रहे हैं स्कूल को साथ। हम रोटरी इंटरनेशनल को एज आ ये आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट भी सबमिट करवा चुके हैं, और अगर उधर से हमारी नॉमिनेशन होती है तो टोटली इस प्रोजेक्ट को रोटरी ऑन करेगा, इसकी टोटली फंडिंग रोटरी करेगा, और उसके बाद जो है इसके जो अवार्ड्स होते हैं जब ये प्रोजेक्ट विन करता है तो उसके जो हमें वो पैसे आते हैं रोटरी की तरफ से वो डेफिनेटली इन बच्चों पे खर्च होंगे। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा काम करे रोटरी क्लब वाले भी और आप सब, आपकी टीम, क्योंकि टीम वर्क के बगैर कुछ नहीं होता। आपने बड़ा अच्छा काम किया और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, जो आप बच्चों के लिए इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और जी हमें हमारी बड़ी प्यारी सिंगर ने ज्वाइन किया है, रिफत मुगल ने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, कैसी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र। बड़ी प्यारी लग रही है आप आज येलो ड्रेस में, और बड़ा अच्छा तैयार हुई है जी। अच्छा, बड़ी अच्छी लग रही है आप आज। थैंक यू सो मच मैम। अरुज बताइएगा, कब मॉडलिंग स्टार्ट किया आपने? मुझे 1.5 साल हो गया है। अच्छा, 1.5 ईयर ऑलमोस्ट हो गया। अच्छा, तो आपको मॉडल ही बनना था या कुछ और सोचा था? हाँ, मेरा प्लान ये था कि मैं न्यूज़ कास्टिंग करूँगी, लेकिन फिर एक टाइम आया कि मुझे लगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं जा रही, और ये कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए, आई शुड हैव टू डू एनी अदर थिंग ना, तो फिर मैंने इसमें स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मतलब सिट्रस टैलेंट के साथ काम कर रही हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम जो मतलब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने ब्रांड शूट किए हैं। स्टार्ट मैंने जब किया था तो ब्राइडल शूट से किया था, ज्वेलरी कलेक्शन वगैरह, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ब्रांड शूट्स कर। अच्छा, आपको पहले न्यूज़ कास्टर बनना था, न्यूज़ एंकर बनना था, तो क्यों आपकी टेस्ट के मुताबिक नहीं था? आपको ड्राई लगा कि बैठ के सिर्फ रीडिंग करना है? एग्जैक्टली, ये बहुत मेहनत वाला काम थी। उर्दू अच्छी नहीं थी, इंग्लिश अच्छी, पंजाबी अच्छी है? नहीं, पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती। पंजाबी नहीं आती? पंजाबी बोलते हैं? नहीं, कोई भी नहीं बोलता। तो मुझे पंजाबी बहुत अच्छी आती, मेरे पेरेंट्स भी पंजाबी बोलते हैं। यू आर राइट, मुझे भी पंजाबी बहुत अच्छी है, पंजाब जट पुत्र है तो पंजाब में रहने वाले। पंजाबी बोलती हूं जी मैं, सराइकी भी मुझे समझ आती है। अच्छा, तो आप उर्दू अच्छी नहीं थी, आपको ड्राई भी लगा, मतलब है ना बड़ा आपने रीडिंग करना है? हाँ हाँ, वो बस फुल टाइम रीडिंग करते रहना और ये सब कुछ ना, तो फिर मैं उस चीज से फेड अप हो गई थी। फिर आप आसानी की तरफ आई? हाँ, मॉडलिंग आसान नहीं है। अच्छा, इट्स ए प्रॉपर टाइम टेकिंग प्रोसेस, और इसमें आपको टाइम देना पड़ता है। आप जाते हो, आपने कब वहाँ से आना है, आपका पैकअप टाइम क्या है, जाने का पता होता है, आपको आने का नहीं पता होता। न्यूज़ कास्टिंग में भी मीडिया के लोग बड़ी मेहनत करते हैं, एक न्यूज़ पे हमने नज़र रखी होती है, इतनी हमारी न्यूज़ एंकर माशाल्लाह मेल फीमेल इतना रिसर्च करते हैं, इतना पढ़ते हैं हर चीज़ पे, जैसे कोरोना वायरस में देखिए किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मॉडलिंग आपको आसान लगी अरुज? नहीं, इतनी ज्यादा इजी नहीं है मेरा ख्याल। और आसानी की तरफ जाना है? नहीं, मजीद नहीं, कुछ और सोचो कि फिर तो कुछ और रह ही नहीं जाता ना। कुछ और रह ही नहीं जाता। चले जी, गुड, बेस्ट ऑफ लक, जो आप काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो वो मैं तो बस एक मजाक कर रही थी कि चले जी आसानी की तरफ चले जाते हैं हमारे। कोई भी आसान नहीं होता, हर फील्ड में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ती है। तो पहला शूट घर वालों ने अलाउ किया आपको? पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, पहले तो इतना इजी नहीं था, डेफिनेटली फैमिली को मनाना, जैसे आपने पहले बात की कि हर एक का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो पता नहीं क्या होगा क्या होगा। हाँ, तो ये कि उनको मनाना था पहले तो बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली, लेकिन ये कि एक चीज़ थी कि उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा आपने ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना कहीं पे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रही हूँ, किसी को कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब है कोई फील्ड बुरी नहीं होती, लोग बुरे होते हैं। exactly. आपकी नेचर होती है, आप अपना एनवायरनमेंट खुद बनाते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट हो अगर आपने कुछ गलत करना है तो आप किसी अच्छी डिपार्टमेंट में भी रहकर कुछ ना कुछ गलत कर सकते हैं। किसी ने कुछ ऑल अबाउट योर तरबियत, जो आप घर से सीख के निकलते हैं आप वही दिखाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर, सर इनसाइड है वही आप रिफ्लेक्ट करते हैं, वही करेंगे। तो फील्ड बुरी नहीं होती, मॉडलिंग बुरी चीज नहीं है, मॉडलिंग बुरी चीज नहीं है। जो बच्चियां काम कर रही है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दें कि अगर ये मॉडल है तो ये पता नहीं क्या चीज है, लेकिन अगर ये टीचर है तो ये बड़ी अच्छी टीचर होगी। ये कॉन्सेप्ट उदार के लिए अपने दिमाग से निकालिए,
हमारी बच्चियाँ बड़ा अच्छा काम कर रही है, हमारे बच्चे जो मॉडलिंग में नए नए आ रहे हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लगता है जब लाइबा ने मुझे बताया कि उनकी अम्मी उनके साथ है और उनको प्रमोट करती हैं, उनके साथ साथ चलती है। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है जब आपके पेरेंट्स आपके साथ बाहर निकलते हैं ना, तो सर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आपको लगता है कि मेरे साथ तो मेरा पूरी दुनिया चल रही है, घर वाले चल रहे हैं ना, ऐसे ही तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाता है, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, मुझे जब होता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा होता है। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है आज आपको हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी बता दूं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ शो करके, आपको तो अच्छा लग ही रहा है। तो मैम कब से सिंगिंग कर रही हैं? काफी देर हो गई। काफी देर हो गए। अच्छा मैम आपको भी कोई मुश्किलात हुई, जैसे अरूज और लाइबा कह रही है कि आजकल लोग कहते हैं जब आपने स्टार्ट लिया होगा तब तो ज्यादा बिल्कुल रिवाज नहीं होगा गाने की तरफ? जी जी ऐसा है, बस मुश्किलात तो होती हैं, वही आप वाली बात के इंसान खुद अच्छा अपना ट्रैक रखे तो कोई इशू नहीं होता। हाँ कोई इशू नहीं। दूसरी बात यह है स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, बच्चा जब पढ़ता है बीए करता है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाता है, कहीं जाके फिर हर गर्मी सर्दी बच्चे को भी झेलनी पड़ती है। इसी तरह हर फील्ड में ऐसा है, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत बहुत की मैंने, करीब 25 साल मुझे हो गए हैं। अरे माशाल्लाह 25 साल हो गए। हाँ 25 साल पहले मैं बहुत काम करती थी, लेकिन उसके बाद कुछ हालात वाकयात कुछ ऐसे हुए फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा तो अब ऐसे ही चल रहा है। चल रहा है अल्लाह का शुक्र है। चले जी ये अच्छी बात है। अच्छा मैम बताइएगा, जैसे आपने कहा जब आपने स्टार्ट लिया तो घर वालों ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं रिफत आप कर सकती हो, आपने सिंगिंग करनी है तो आप सिंगिंग कर लो? नहीं, कई दीवारें गिरानी पड़ी। कई दीवारें गिरानी पड़ती हैं, फिर बनाना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सब साथ है आपके? हाँ इंशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। तो अब तो बड़ा खुश होते हो, प्राउड करते होंगे जब आप गा रही होती है? नहीं वो समझते नहीं है कि मैं आर्टिस्ट हूँ। घर वाले तो परवाह नहीं करते। हाँ ऐसे ही है, वो कहते चल भी आंडी पका दे रोटियां पका, शराब तले दे रहा। हाँ ठीक है ना, वो सिस्टम है। नहीं घर वाले नहीं, पूरे खानदान वाले नहीं। वेरी नाइस, ऐसा भी होता है। उनके लिए मैं पहली वाली रिफत हूँ, वो पहली वाली रिफत, मन वाली रिफत हूँ उनके लिए। जबरदस्त। तो मैम आप किसको पसंद करती है, कोई फेवरेट सिंगर है जिन्हें आप सुनती हैं? फेवरेट जो माशाल्लाह मैडम नूरजहां जवारे रहमत में जगह दे, आमीन, और उनको ज्यादा करती हूं, उन्हें ज्यादा सुनती हूं। उसके बाद किसी और है काफी सिंगर? सब अच्छे हैं, राहत फतेह अली खान है वो जो वो बहुत चल रहे हैं, और नुसरत फतेह अली खान, और इन सब आबिदा परवीन, बड़े बड़े जो माशाल्लाह अच्छे सिंगर, जो मेहदी हसन जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और एक लेसन छोड़ गए हैं जबरदस्त, और उन्हीं का काम दोबारा नए बच्चे रीमेक करके गा रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा, मतलब उन्हीं को रीमेक करके हिट हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो हाँ, वो गा के चले गए वो आज तक गाया जा रहा है, वो आज तक गाया जा रहा है, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, वो उन्हीं से लेसन सबक ले रहे हैं, वो उन्हीं सीख रहे हैं। जबरदस्त, वो बहुत बढ़िया की यूनिवर्सिटी है वो, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी अभी इतनी कवालियां बाकी हैं, जब अब जो भी कवाली सुनते हैं आपको लग रहा होता है नुसरत फतेह अली खान साहब की कि ये नहीं है, ये पता नहीं कब आ गई, ये नहीं है, मतलब तकरीबन 300 से कुछ उन्होंने कवालियां पढ़ी है, जबरदस्त। अच्छा सर आप बता रहे थे किस तरह से बचा जा सकता है इससे? इसमें मैम जो है ना वेरी इजी है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। जिन पेशेंट्स में जो है ना कोरोना वायरस आ गया है, आपने एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले जो है ना जब भी आप घर से निकलें और आप मास्क लगा के निकलें, ये जरूरी है, मास्क लगाएं। उसके बाद अगर किसी शख्स को जो है ना स्नीजिंग है, फ्लू है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो टिश्यू यूज करें, टिश्यू यूज करके उसे प्रॉपर जो है ना डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करें, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। हमने टिश्यू यूज किया, टिश्यू यूज करने के बाद ऐसे ही राइट लेफ्ट आपने ड्रॉप कर दिया और उससे भी आपके जो है ना ये इसमें प्रॉब्लम जो है ना वो। अच्छा एक तो आपको छींक जब आ रही होती है फौरन हाथ रख लेते हैं, हाथ से भी जर्म्स आपके फौरन, जब आप किसी से शेक हैंड करते हैं या कहीं अपने ही बॉडी पे लगा देते हैं उससे स्विच ओवर जो है ना आपके अदर पर्सन को जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर टू जो है जब आप एक रुमाल का यूज करें और कोई भी आप चीज को आप यूज करें, हाथ आपने कहीं पे इस्तेमाल किया है तो अपने फेस पे जब आपने यूज करना है तो हैंड वॉश करके यूज कर लीजिए, और इसमें वॉश का जो टाइम है एटलीस्ट जब आप हैंड वॉश करें 20 सेकंड जो है ना आप सोप के साथ जो है ना पानी के में जो है ना आप हैंड वॉश करें। अच्छा ये भी तरीका कर रहे हैं जो है ना वो आपने लिया फटाफट जो है ना वो किया विद इन सेकंड जो है ना उसमें 20 सेकंड पानी के साथ आप उसे जो है ना यूज किया सोप के साथ यूज करें, और इसके अलावा आप सैनिटाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। और वेरी इकोनॉमिकल है, कोई कॉस्टली भी नहीं है, तो आप वो जो है ना यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एहतियात है अगर आप करेंगे
تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صفائی کا بھی خاص اور صفائی اپنے سیلف جو ہے نا صفائی اور صفائی کے بارے میں ویسی کا نصف ایمان ہے, تو اس حوالے سے آپ جو ہے نا اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو ہے نا وہ صاف رکھیں. اور آج کل ویسے فلو ہے تو وہ ونٹر سیزن چل رہا ہے پاکستان میں, تو اس وجہ سے آپ کو فلو وغیرہ نارمل یہ کامن چیزیں ہیں, تو ہر شخص کے اگر کسی شخص کو فلو ہے یا نزلہ ہے سنیزنگ کر رہا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کرونا وائرس کے پرابلم ہے, ایسا نہیں ہے. نارمل پاکستان میں جو ہے نا الحمد للہ پاکستان میں اسٹل ایک پیشنٹ بھی جو ہے نا ابھی تک ڈائگنوز نہیں ہوا کرونا وائرس کے حوالے سے, اور پاکستان بالکل سیف ہے اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر بہت اچھے اقدام کر رہی ہے. ہمارے جو ہے نا ایئرپورٹس پہ پراپر اسکیننگ جو ہے نا وہ چل رہی ہے, ایون کہ جو ہم امپورٹ کر رہے تھے چائنا سے جو ہے ان کے اوپر بھی وہ جو سامان آ رہا ہے گورنمنٹ اس وقت ان کو بھی پراپر سپرے کر رہی ہے. امپورٹس کو جو ہے نا انہوں نے بڑا کنٹرول کیا ہے اور اس کے اوپر سپرے کر کے تاکہ اس کے تھرو جو ہے نا پاکستان میں کوئی سوئچ اوور نہ ہو. ایون کہ ہمارے جو ہے نا ابھی وہ میں دیکھ سننے میں آیا کہ لنڈا بازار جو ہے ٹھیک ہے پاکستان میں ایک عام آدمی کے لیے اب وہ بھی ریچ سے جو ہے نا بائڈ ہوتا جا رہا ہے آپ لوگ کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, اس حوالے سے بھی مطلب کہ پاکستان آپ دیکھیں گے ہمارے اس وقت منسٹری آف ہیلتھ جو ہے نا ہر اسپیکٹس پہ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے, آپ کے ایئرپورٹس پہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ وہ انہیں کوئی ذہن میں آ رہا ہے کہ یار اس طرف سے موو ہو سکتا ہے تو اس نے بھی وہاں پہ کنٹرول کر رہی ہے. یہ گورنمنٹ کے بڑے اچھے اقدام ہیں. اور میں چاہوں گا کہ جن ہمارے جو بھائی وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں جو بزنس مین ہیں جو اس وقت چائنا کے اندر ہیں وہ وہاں پہ جو ہے نا پاکستان آنے کے حوالے سے جو ہے نا کوشش ابھی وہاں پہ اسٹے کریں, ذکر کریں, نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں, بالکل وہاں پہ سیف ہیں. اور کئی لوگوں سے وہاں پہ ڈسکشنس ہوئی ہیں, انفیکٹ آپ میڈیا کے سوشل میڈیا کے علاوہ ہٹ کے آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کوئی ایسے اتنی پرابلم نہیں ہے جتنی آپ نے پاکستان میں ایک سوشل میڈیا نے ہائٹ کریٹ کر دی گئی ہے. جی بالکل, اس کے تھوڑا سا بالکل ایزی رہے. یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں جن کے والدین یہاں پہ ہیں بچے ان کے وہاں پہ اوبیسلی ایک مدرز ہیں فادر ہیں وہ بہن ہیں بھائی ہے, انہیں ایک جو ہے نا ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی وہاں پہ ہے پرابلمس میں کوئی ہوں گے کچھ ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی یہاں پہ کریں. ہمیں چائنا والوں کے ساتھ بھی ہمدردی ہے, وہاں پہ بینگ ا ہیومینٹی جو ہے نا انسانیت کے ناطے سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اچھا مجھے بتائیے گا آپ نے ذکر کیا فلو میں میڈیسن لینے کا, تو ہمارے یہاں فلو ہو یا تو بالکل کیئر نہیں کرتے, بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں نارمل, آپ یہ بھی خیال نہیں رکھتے کہ اگر میں نے ٹیشو پیپر یوز کیا ہے وہ کسی اور کو نہ لگ جائے جمس, کیونکہ سب سے زیادہ سپیڈلی یہ جمس ہوتے ہیں کنورٹ ہوتے ہیں اگر پرسن کو جانے, تو ایک تو ہم یہ خیال نہیں رکھتے, اور اگر کچھ لوگ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو تھوڑا سا فلو ہوتا ہے تو اینٹی بایوٹک لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں چیزوں کے بارے میں میں اس میں حوالے سے جو ہے نا ایک ہے کہ نارمل کسی بھی پیشنٹس کو جو ہے نا سنیزنگ فلو سٹارٹ ہو گیا تو ہمارے ہاں سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہے, فوراً جو ہے نا اینٹی بایوٹک لی اور وہ کھانا شروع کر دی. اگر فلو ہو گیا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تو بھائی اس میں فوراً اینٹی بایوٹک ضرورت نہیں ہے, فوراً آپ کو چاہیے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو جا کے چیک کروائیں. ہمارے یہاں سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہے, سیلف اینٹی بایوٹکس آپ نے لینا شروع کر دی ٹھیک ہے اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی, اور گھر پہ نیم حکیم خطرہ جان جو کہا جاتا ہے نا وہ اس حوالے سے ہے, اس سے ریزسٹنس بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر کسی شخص کو ان دنوں میں فلو ہے نزلہ ہے سنیزنگ ہے یا ہلکا سا کوئی بھی پرابلم انہیں آ رہا ہے فوراً میں انہیں چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر سے ڈسکس کریں, انہیں لائٹ سی میڈیسن وہ دے گا پیشنٹ وہ لے ود ان ون آر ٹو ڈیز میں پیشنٹ کیور ہو جائے گا, اس کی بجائے کہ وہ اینٹی بایوٹکس خود یوز کرے. اور ایسی ایکسیس آف اینٹی بایوٹکس وداؤٹ ریکمنڈیشن آپ یوز کریں گے تو اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ سائڈ افیکٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. اب ہمارے ہاں ایک نارمل چلتا ہے کہ یار اگر کسی کہہ رہے یار اینٹی بایوٹکس ہے کسی کا پیٹ خراب ہے وہ ایک ہی اینٹی بایوٹک یہ کھا لو بھائی, اگر کسی کا گلا خراب ہے یہ اینٹی بایوٹک کھا لو بھائی, وہ ایک ہی اینٹی بایوٹک ہے گلے کے لیے بھی وہ استعمال کروا رہا ہے بغیر ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن کے, پیٹ خراب ہے ڈائریا ہو گیا اس پہ بھی وہ یوز کروا رہا ہے, وہ اینٹی بایوٹک آپ پہ اثر کرے میرے پہ نہ کرے, جسٹ انفیکشن وہاں پہ ہو گیا وہ ایسا, ہر ایک کے لیے اینٹی بایوٹکس. اگر کہیں یار بھائی اینٹی بایوٹکس نہ استعمال کریں, بھائی اینٹی بایوٹک کا کیا کام ہوتا ہے فرسٹ آف آل تو اینٹی بایوٹک ہے گیا جی, اینٹی بایوٹک ہے کیا بیسیکلی, اینٹی بایوٹک بیسیکلی اینٹی یہ دو چیزوں کا جو ہے نا وہ ایک کمبینیشن ہے اینٹی اینڈ بایوٹک, اینٹی مینس فائٹ کرنا کل کرنا, اور بایوٹکس یہ گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے لائف لائف ٹھیک ہے. یہ اینٹی بایوٹک ایک سبسٹنس ہے جو یوز کیا جاتا ہے پیشنٹس کے اندر جو بیکٹیریاز ہیں جو انفیکشنز کاز کرتے ہیں انہیں کل کرنے کے لیے, کل کرنے کے لیے. اب ایک اینٹی بایوٹک
تمام جگہوں پہ یوٹیلائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے کہ اب یہ اینٹی بایوٹک کی براڈ ٹرم ہے. اب یہ چیسٹ انفیکشن ہے تو اس کے لیے اسپیشل اینٹی بایوٹک ہے. اگر آپ کو ڈائریا کی پرابلم ہو گیا ہے, ہمارے ہاں جو ہے نا ٹائیفائڈ کی پرابلمس آپ دیکھنا ہوگا کافی زیادہ چلتی ہے, کروز جو ہے نا اس پہ ریزسٹنس کے ساتھ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹائیفائڈ بگڑ گیا پنجابی کے اندر, ٹائیفائڈ بگڑ گیا. اب وہ ایک ہی اینٹی بایوٹک ہر جگہ پہ نہیں استعمال ہوگی. ایسے جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ ڈاکٹرز بھی ہیں, ایک پائلٹ ہے, ایک الیکٹریکل انجینئر ہے. اگر ہم پائلٹ کی سیٹ پہ ڈاکٹرز کو بٹھا دیں اور اس کے لیے وہ جو ہے نا کام کرے, وہ جو ہے تو وہ تو نہیں کام کر سکے گا نا بھائی یار, وہ اینٹی وہ بھی تو انسان ہی ہے. بالکل, بے شک وہ انسان ہے, دونوں جو ہے نا ان کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے. اسی طرح اینٹی بایوٹکس کی بھی اپنی جو ہے نا ایک یوز ہے, وہ چیسٹ کے لیے اسپیشل اینٹی بایوٹکس ہیں, ادر ایریاز کے لیے الگ سے اینٹی بایوٹکس اویلیبل ہیں. تو ضرور ڈاکٹرز کے پاس جائیں, ڈاکٹر جو ریکمینڈ کریں وہ آپ اینٹی بایوٹک یوز کریں. گھر میں ڈاکٹر نہ بنیں, یہ طریقہ کار ہے کہ گھر میں اگر خدا نہ خواستہ چھوٹا سا بھی کوئی پرابلم ہے, کوئی زیادہ دور نہیں ہوتے, قریب قریب آپ کے کلینکس ہوتے ہیں, ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, تو آپ جا کے نا کائنڈلی وہاں سے چیک کروا لیے, نہ کہ خود ڈاکٹر بن کے کہ پین کلر لے لیں. ہم پین کلر کے بارے میں بھی آج بات کریں گے, ہماری قومی ایک پین کلر بھی ہے, اس بارے میں بھی ہم آج بات کریں گے. وہ قومی پین کلر کون سی ہے جو ہم سب کھاتے ہیں اور ہم سب کی بیگس میں, والیٹ میں, پاکٹ میں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے, اور ہم دوسروں کو بھی سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نا ڈاکٹر بننے کا شوق بڑا ہے, لیکن ویسے ہم پڑھ کے نہیں ڈاکٹر بننا چاہتے, ہم نا وہ میرے بڑے نے کہا, والدہ نے کہا, بھائی نے کہا, یہ درد ہو تو یہ دوائی کھا لیا. ایک نا محلے میں خواتین کا ایک کانسیپٹ ہے, معذرت کے ساتھ وہ سب میری بڑی ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو گلا خراب یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے نا, تو وہ جو میڈیسن کھا لیتی ہے نا آنٹی, وہ آنٹی تین لوگوں کو اور بتا دیتی ہے کہ مجھے وہ خوراک ایک جگہ سے ملے گی, ان کو نا پیکٹ بنا کے دے جاتی ہے, اس کے اوپر خوراک لکھا ہوتا ہے صبح شام دوپہر, تو وہ آنٹی پھر بتاتی کہ بھائی مجھے تو اس سے میں ٹھیک ہو گئی تھی, یہ آپ بھی لے لو. تو وہ نا ڈاکٹر پہ جائے بغیر وہاں سے اٹھاتی ہیں, آپ ایگری کریں گے ایسا ہوتا ہے؟ تو وہ سب محلے میں نا سب کھا رہے ہوتے, بھائی ایسا نہ کیجیے خدا کے لیے, اپنی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیے, ڈاکٹرز پہ جائیے. جو ڈاکٹرز ہیں, ایک یہ بھی مسئلہ ہے سر ہمارے, جو ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس ڈگریز ہیں, جو کام کر رہے ہیں کسی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں, ان کے پاس جائیے کائنڈلی, اور پھر اپنی میڈیسن لیجیے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا, اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مسئلہ ہو, لیکن اگر ہو گیا تو ایسے کیجیے, اور محلے میں آنٹی سے میڈیسن لے کے خوراک مت کھائیے. یہ میں نے لائیو دیکھا ہے, میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ فلاں نے کھایا تو ٹھیک ہو گیا تو میں نے بھی کھا لیا. بھائی کوئی ہیئر کلر تھوڑی ہے کہ اچھا لگ گیا کہ آپ کو بھی مل گیا. آنٹی میڈیسن ہوتی ہے, ہاں آنٹی میڈیسن, زبردست یار, نام نکلا کرتا جی آنٹی میڈیسن. آنٹی میڈیسن نہیں لینی, اینٹی بایوٹک ضرور لینی, وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو. جو آپ کو جو ہے نا کوئی بھی ریکمینڈ کرے پراپر ایک ڈاکٹرز کے پاس جائیں. اور اچھا ایک اور چیز ہے, ہر اینٹی بایوٹکس کا جو یوز ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہمارے یہاں ایک اینٹی بایوٹکس ہیں جن کا جو ریکمینڈ کرتے ہیں ڈاکٹر, آپ نے 3 ڈیز کے لیے یوز کرنی ہے. کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں جو 5 ڈیز کے لیے ریکمینڈیڈ ہے, کچھ ہے جو آپ کے 2 ویکس کے لیے ریکمینڈیڈ ہے. تو آل دو کے ہر اینٹی بایوٹکس کا ڈفرینٹ موڈ آف ایکشن ہوتا ہے, اور وہ ڈاکٹر ہی آپ کو ڈائیگنوز کرے گا کہ یہ آپ کو پرابلم ہے اور اس پرابلم کے لیے آپ کو یہ والی میڈیسن یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں یہ ایک اور پرابلم پاکستان میں بہت زیادہ آ رہی ہے رف اینٹی بایوٹک یوز کرنے سے, کہ یہ جیسے اینٹی میڈیسن جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں, اس کے یوز کرنے سے ریزسٹنس بلٹ اپ ہو رہی ہے. سر اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے, یہ جو آنٹی میڈیسن ہے نا, یہ آنٹی میڈیسن کب ختم ہوگی ہمارے یہاں, ہمیں کب اویئرنیس آئے گی. ایک زبردست نام آج مجھے ملا, میں بڑا خوش ہو رہی ہوں بول بول کے کہ مجھے اتنا ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا یہ آنٹی میڈیسن کے بارے میں. اروج آنٹی میڈیسن کبھی لیے؟ اکثر لے لیتی ہوں, اکثر آنٹی میڈیسن اکثر لے لیتی ہوں. چلو خواتین جو محلے میں ہوتی ہیں آپ کی لیتی ہیں, وہ محلے کی خواتین سے متاثر ہو کے آپ ہی متاثر ہو جاتی ہیں. بھائی آپ تو اچھی خاصی یگ لڑکی ہیں, آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ایجوکیٹڈ لوگ بھی اگر آنٹی میڈیسن سے متاثر ہوں گے تو پھر جو ہے نا ہم باقیوں کا کیا کہیں گے؟ بالکل جی ناظرین, یہ وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, لیکن بریک سے پہلے ہمارے پاس ایک زبردست سنگر موجود ہے, تو ہم ان کی خوبصورت سی آواز میں ان کا گانا سنیں گے. اب اکھیاں جل برساتی ہیں بن برکھا میری سانوریا, او سانوریا ہو, اب اکھیاں جل برساتی ہیں.
बरसाती हैं, अब आँखियाँ जल बरसाती हैं, दिन भर का मेरे सांवरिया ओ सांवरिया हो, अब आँखियाँ जल बरसाती हैं। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज मेरे मेहमान बड़े मज़े की बातें कर रहे हैं और सच में इतनी मज़े की बातें कर रहे हैं कि मेरी ये चीज़ दर्द होना शुरू हो गया है सच के, क्योंकि आज हमने आंटी मेडिसिन भी एक डिस्कवर की है और बड़ी मज़े की चीज़ है और हम लोग हंस रहे हैं इस बात पे भी। लेकिन खैर, एक सीरियस टॉपिक भी है हमारे पास आज, क्रोनो वायरस के बारे में आज हम बात करें, किस तरह से बचा जा सकता है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है। नॉर्मल अगर किसी को फ्लू है तो उसमें भी आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए ताकि दूसरों को ना हो। ये हम तो ऐसे नॉर्मल एक बीमारी समझते हैं लेकिन इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है दूसरों को भी। ये ना जम्स जल्दी से कन्वर्ट मुंतकिल हो जाता है दूसरे में, तो ये एहतियाती तदाबीर है। और किसी को फौरन से ये मत कह दीजिए कि अगर किसी को फ्लू है कि भाई आपको कोरोना वायरस हो गया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी को हो। और जिनको है अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे और उनको भी बचाए, जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई यहाँ से वहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और वो लोग भी खैर आफियत से हों। और अगर बात की जाए तो हर चीज़ का एक उसकी एक इलाज होता है ना, हर बीमारी का, तो उसकी एहतियाती तदाबीर है। जैसे डेंगू से बचाव के लिए हम हमेशा बात करते थे एनवायरनमेंट क्लीन करें, अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं अपना घर साफ रखिए, अपने कपड़े साफ रखिए। तो इसी तरह इसमें भी एक ये चीज़ है कि अपना घर साफ रखिए, जो कपड़े आप इस्तेमाल करें वो साफ रखिए। अगर आपको फ्लू हो गया तो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करके वेस्ट कर दीजिए, अपने हाथ में पकड़ के मत घूमिए। और अगर आपको छींक आ रही है तो यूं हाथ मत इस्तेमाल कीजिए, अपनी कोनी का कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है तो शेक हैंड करते हुए गौर कीजिए क्या आपके हाथ क्लीन है,
थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, अगर आप इन पे गौर करेंगे तो काफ़ी चीज़ों से आप बच जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता फिर भी आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन हल है कि डॉक्टर के पास जाइए, खुद डॉक्टर ना बनिए, डॉक्टर पे जाइए, टेस्ट करवाइए ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो कोरोना वायरस के बारे में गूगल पे भी मौजूद है, वो पढ़ लीजिए। सर 2011 में एक फिल्म भी आई थी इस बारे में, उन्होंने ये जो है ना तमाम वर्ल्ड में जो है ना उसका उन्होंने इस तरह जो है उसे एक्सपोज किया था, किस तरह से फिफ्थ जनरेशन वॉर के इसे जो है ना नेम भी दिया गया था इस तरह से। तो आप बच सकते हैं, ये एक परेशान करने वाली चीज़ है लेकिन इसका हल भी है, इससे बचा भी जा सकता है। तो आप एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे, कितना इस्तेमाल करना चाहिए? और सर एक ये भी तो होता है ना, अगर आप डॉक्टर को डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि जी 3 दिन एंटीबायोटिक खानी है, 6 दिन खानी है, 3 दिन खानी है, तो हम एक दिन अगर ठीक हो जाते हैं तो हम कॉन्टिन्यू नहीं करते। यू आर राइट, ये हमारे यहाँ वेरी कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर किसी शख्स को जो है ना डॉक्टर ने 3 डेज के लिए, 5 डेज के लिए, 7 डेज के लिए एंटीबायोटिक रिकमेंड्स किए, बट वो पेशेंट्स ने लिए 7 डेज के लिए मेडिसिन रिकमेंड्स थी, उसने 2 डेज ली या 3 डेज ली, तो वो पेशेंट जो है ना 50-60% क्योर हो जाता है, क्योर हो जाता बट आफ्टर 3 डेज वो पेशेंट मेडिसिन को विड्रॉ कर देता है। अब उसका साइड इफेक्ट क्या है, जैसे कि आप देखेंगे हमारे यहाँ जो है ना नॉर्मल प्रॉब्लम आती है कि ये टाइफाइड है, टाइफाइड बिगड़ गया हुआ है इस पेशेंट का, अब इसे जो है ना मेडिसिन मुसलसल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। टाइफाइड में मेडिसिन एटलीस्ट जो है ना वो 2 वीक्स रिकमेंड्स की जाती हैं, डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं। अब पेशेंट ने टाइफाइड की मेडिसिन ने उसे स्टार्ट करवाई, उससे 5 डेज 6 डेज मैक्सिमम मेडिसिन ली और उससे कहा मैं तो ठीक हो गया और उसने वो मेडिसिन ड्रॉप कर दी। अब उसका हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या आई, उस मेडिसिन ने जो अंदर हमारे बैक्टीरिया से जर्म थे उसने उसे किल करना शुरू किया, वो 50-60% 70% तक उसने किल कर दिया, बट रिमेनिंग स्टिल 30% आपकी बॉडीज में अवेलेबल है। जो डॉक्टर ने ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड आपको बताया है उसका बेनिफिट ये है कि वो उस टाइम पीरियड के अंदर उस बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल करेगी। ठीक है, अगर आपने उसे पहले विड्रॉ कर दिया, अब वो बैक्टीरिया अंदर अवेलेबल है, अभी आप बिल्कुल क्योर है, बिल्कुल ठीक है, आफ्टर 1-2 वीक अगेन वो बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देंगे। जब वो दोबारा ग्रो करेंगे और वो फिर ज्यादा सीवियर अटैक्स करेंगे आपको और फिर आपको और ज्यादा सीवियरिटी के साथ प्रॉब्लम आएगी, आप ज्यादा जो है ना आप फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा भाई आपको तो दोबारा टाइफाइड हो गया, कंडीशन ज्यादा खराब कर दी, आपकी ज्यादा खराब हो गया, अब आपका टाइफाइड बिगड़ गया, फिर आपको जो है ना वो एक पहले सिंगल एंटीबायोटिक्स चल रही थी उसके साथ अब आपको हाई डोज में जो है ना वही एंटीबायोटिक्स वो देगा, इंजेक्शन स्टार्ट करवा देगा, साथ में कम्बिनेशन में यूज करवा देगा। तो इसलिए भाई ये खुदारा कोई भी मेडिसिन एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल खुद यूज ना करें, सेल्फ एंटीबायोटिक्स बिल्कुल मत यूज करें, अगर कोई डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर कोई रिकमेंड करता है आपको 3 डेज 5 डेज 7 डेज एंटीबायोटिक्स प्रॉपर कंप्लीट करें। हमारे यहाँ जो है एक बड़ी अच्छी जो चीज है, स्पेशली मैं देखता हूँ हमारे नॉर्दर्न एरियाज में केपी के वाली साइड पे, वहाँ पे जो है ना मेडिसिन प्रॉपर यूज करते हैं। अच्छा, वहाँ पे अगर डॉक्टर ने लिखा है ना 7 डेज आपने यूज कर दिए, तो वहाँ पे लूज मेडिसिन नहीं मिलती, वो 7 डेज का मेडिसिन का बॉक्स भी 7 डेज का है, वो पूरा बॉक्स ही पेशेंट्स को देंगे और पेशेंट वो पूरा बॉक्स लेगा और वो पूरी जो है ना मेडिसिन यूज करेगा। हम क्या करते हैं कि हम जाके कहते हैं 2 दिन की दे दे, 2 दिन की दे दे, बाद में ठीक हो गया तो ठीक है वरना वेस्ट, फिर जो है ना वो कर लेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ एक और भी प्रॉब्लम ये है कि हम डॉक्टर बड़ा रैपिडली जो है ना चेंज करते हैं। हाँ, ट्रू। एक है मेडिसिन डॉक्टर ने दी, एंटीबायोटिक्स दी आपको, आपने वो एंटीबायोटिक्स शुरू की, स्टार्ट की, आपने 2 डेज ली और अगेन नहीं मुझे अभी इतना फर्क नहीं पड़ा, वो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले गए। जब दूसरे के पास गए तो आपने वो पुराने वाली डॉक्टर को स्लिप ही नहीं दिखाई, बताया नहीं कि मैं ये एंटीबायोटिक्स यूज कर रहा हूँ। अब इसके भी बड़े नुकसान आते हैं, अगर डॉक्टर के पास जाए तो कोई भी एंटीबायोटिक्स है उसे अपने एक पीक प्लाज्मा लेवल अचीव करने में टाइम लगता है और उसे जो है ना फिर क्योर होने में फिर उसके बाद जो है ना वो टाइम लगता है, तो इसलिए जो है ना आपने वो 2 दिन एक एंटीबायोटिक यूज की, सेकंड डॉक्टर के पास चले गए, उसने आपको अदर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया और हम क्या कहते हैं कि डॉक्टर ही अच्छा नहीं, डॉक्टर अच्छा नहीं, वो ऐसा नहीं, बिल्कुल अच्छा ही नहीं है। उसमें प्रॉब्लम ये आ गई, अगर आपने वो डॉक्टर्स को पता ही नहीं कि भाई आपने पहले डॉक्टर से कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की थी, अब उसमें आपको एंटीबायोटिक चेंज कर दी जी, अब वो एंटीबायोटिक पहले आपने 2 दिन एक लिया, अब 3rd डे से आपने दूसरी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी, अब उसका क्या होगा, जो आपने पहले लिया उससे रेजिस्टेंस बिल्ड अप हो गई,
ठीक है आपकी बॉडीज के अंदर, अब वो रेजिस्टेंस आएगी, वो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आपको लाइट मेडिसिन जो है ना आपको इफेक्ट नहीं कर रही होती, खुद उनकी रेजिस्टेंस अपनी बॉडी के अंदर बिल्डअप कर चुकी है, ठीक हो गया। तो डॉक्टर अगर आपको कोई मेडिसिन एंटीबायोटिक बोलते हैं 3, 5, 6 जो भी ड्यूरेशन उन्होंने बता दिया है तो वो इस्तेमाल कीजिए, उसको भी मत कीजिए टाइम के लिए यूज करें। आज लोग आप 3 days, 4 days में आप क्योर हो जाते हैं मगर उसके एंटीबायोटिक का कोर्स कम्प्लीट कर लिए ताकि एक दफा वो बैक्टीरिया किल हो जाए और आप लाइफ आगे जो है ना 4 times मैक्सिमम टाइम आप जो है ना वो क्योर नहीं कोई प्रॉब्लम सेहतमंद जिंदगी गुजारी है बड़ा जरूरी है। तो लाइबा से पूछते, लाइबा मॉडलिंग करके अच्छा लग रहा है आपको, आपने मुझे बताया भी था, हाँ अच्छा ठीक है। तो एक्टिंग का शौक है लाइबा काफी काफी ज्यादा है, तो कौन सी एक्ट्रेस पसंद है लाइबा को? मुझे एक्ट्रेस में मायरा खान मायरा खान पसंद है। इसके अलावा कोई और पसंद है? आयशा खान। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक्टर कौन पसंद है बॉयज में? हाँ हुमायूं सईद क्योंकि वो ड्रामे की वजह से जी अच्छा मेरे पास फोन हो तो वो उसकी डेथ भी हो गई। हाँ, उससे पहले कौन पसंद है? वही मतलब शुरू से आपको वही पसंद है। इमरान अब्बास नहीं पसंद? वो भी अच्छा। अच्छा चलो ठीक है, तो अगर आपको मौका मिले तो आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे हुमायूं सईद के अलावा? कोई भी फैसल है। कोई तो नाम बता दो, कोई भी काम कर रहे हैं कुछ भी। यहाँ से आवाज आई है बड़ी बेवफा है, कहाँ से आई आवाज? मैंने कहा ये तो बड़ी बेवफाई है। ये देख ले वो कह रही है आप बेवफा है, आप किसी एक्टर के साथ भी काम? हुमायूं सईद के साथ। सर मैं वो बेहतरीन एक्टर बनना चाह रही है, मतलब कि उसे काम कर रहा है उसके लिए फर्क ही नहीं पड़ता जो मर्जी एक्टर क्या बात है, मतलब वो इतनी सिंसियर हो के अपने काम के साथ है कि भाई मैं तो एक्टर हूँ, मेरे साथ जिसे मर्जी काम कराओ, मैं एक्टिंग में गुड हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरे साथ जो मर्जी आज। अच्छा मायरा खान आपको पसंद है, तो मायरा खान की तरह एक्टिंग करना चाहती है जी। तो फिल्म कौन सी पसंद है, लास्ट टाइम कौन सी फिल्म देखी है लाइबा ने? पाकिस्तान में। हाँ पाकिस्तानी एक्ट्रेस बनना है भैया। तो पाकिस्तानी फिल्म पाकिस्तानी में क्या नाम है मेरे वो नहीं है सुपरस्टार नहीं मायरा खान की है सुपरस्टार मायरा खान की फेवरेट एक्ट्रेस माहिर वीर कट्टी देखी थी ड्रामे में काम करना चाहेंगी या फिल्म में काम करना चाहेंगी? जिसमें मिल जाए काम करना है, आपको बस काम करना है, लाइबा को फर्क नहीं पड़ता कोई भी फिल्म हो या ड्रामा। तो मॉडल के बारे में भी आपने मुझे बताते, डिजाइनर कौन फेवरेट है आपका? डिजाइनर काशी काशी आपको पसंद है, आपने उनके लिए शूट किया मॉडलिंग की उनके लिए? नहीं उनके लिए नहीं, अभी की करना चाहती हूँ। चलिए जी सुन लीजिए, अगर आप हमारा शो देख रहे हैं तो हमारे पास एक मॉडल मौजूद है जो आपकी ब्रांड के लिए काम करना चाहती है और अगर आपको लगता है कि एक बेहतरीन मॉडल है तो जरूर काम करवाइएगा। तो माही मीर आपने देखी, मैं आपसे पूछती हूँ आपको माही मीर बहुत अच्छी लगी मुझे और अभी रिसेंटली हमारी पाकिस्तानी मूवीज बहुत अच्छी बन रही है, बहुत जबरदस्त हो चुका है जी, अच्छी फिल्म बन रही है। तो आपको माही मीर अच्छी लगी, ड्रामे देखते हैं? हाँ जी मैं ड्रामे देखता हूँ। मेरे पास तुम के अलावा लास्ट ड्रामा कौन सा देखा है आपने? मैं अहद वफा देख रहा हूँ और साथ में अलिफ देख रहा हूँ, ये मैं अलिफ और अहद वफा रेगुलरली देख रहा हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है जी अलिफ का बहुत अच्छा लिखा गया है और एक्टिंग कमाल है, जो हमारे एक्टर इतना जबरदस्त उसमें काम कर रहे हैं। अहद वफा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बिल्कुल, उसमें एक लाइफ दिखाई गई है लोगों की, दोस्तों की, वो भी बड़ा अच्छा ड्रामा है। तो चले जी हम कम बैक करते हैं अपनी अपने टॉपिक की तरफ, आपने एक स्कूल के बारे में बताया, तो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे विलिंग होते हैं पढ़ने के लिए कि या उन्हें बड़ी मुश्किल से खींच खींच के लाना पड़ता है? स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम होती थी, हमें जब भी क्लास लेने जाना होता था हम उनके लिए कुछ ईटेबल थिंग्स लेके जाते थे, उसके अलावा उनके लिए कुछ टॉयज वगैरह लेके जाते थे, अट्रैक्शन रखी होती थी हमने डेली क्लासेस के अंदर। तो फिर लेकिन जो बच्चे जरा मोटिवेट हो गए इस तरफ आ गए अब वो रेगुलर आ जाते हैं, रेगुलर आ जाते हैं, उन्हें कोई नए बच्चों को अट्रैक्ट करना हो जब हम उनके लिए फिर कुछ खाने पीने की चीजें कुछ ट्राइज वगैरह ले जाते हैं तो फिर वो बच्चे आ जाते हैं। तो आपने छोटा सा स्कूल बनाया हुआ है जहां पे क्लास होती है? हमारा वहां पे हमने एक रूम लिया हुआ है उनके एरियाज में, उनके पास ही जाते हैं, वहां पे हमने एक रूम लिया हुआ है जी करीबी, और वहां पे उनको उनके घरों से जाके बुला के वहाँ पे लाते हैं, रूम में बिठाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, फिर वहीं पे छोड़ते हैं, उनके ऑलमोस्ट उनके पेरेंट्स विजिट करते रहते हैं, हम मंथली एक उनके पेरेंट्स के साथ जाके बैठते हैं, बना दिया ना जी, ओपन आसानी पैदा कर दी ना उनके लिए कि आपको ट्रैवल करके कहीं दूर नहीं आना होगा, वो बच्चे घबराए ना कि अब अच्छा आप घर आए। तो अच्छा ये बच्चे काम भी करते हैं?
جی یہ چائلڈ لیبر کے لیے یہ چائلڈ لیبرز کے لیے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں بچے مارننگ میں, کوئی چائے والی شاپ پہ کام کر رہا ہے, کوئی کپڑے والی دکان پہ کام کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی, اور بہت بہت کم پیسے لے رہے ہوتے ہیں, وہ 4,000-6,000 روپے لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا کیا ٹائمنگ ہے آپ کی؟ ہم 4-6 کر رہے ہیں کلاسز, 4-6. تو فنڈنگ آپ سب لوگ مل کے کر رہے ہیں؟ جی ہم سب, ہمارے پاس ہمارا ایک نیٹ ورک اچھا ہے, ہمارا روٹری کلب فیسٹ آباد ہے, وہ سارے لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پرسنلی, ہمیں روٹری سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, روٹری کلب سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, تو ہمیں بجٹ کا ایشو نہیں آ رہا, ہمیں ایشو آ رہا ہے ان کے پیرنٹس کو کنوینس کرنے کا, ان کو موٹیویٹ کرنے کا. یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے, تاکہ آپ انہیں بتا سکیں کہ ان کا پڑھنا بھی ضروری کام تو وہ کر ہی رہے ہیں. اچھا آپ ذکر کر رہے تھے جو لوگ سٹارز ہوں گے, لائک شائننگ سٹار ہمارے بچے ہوں گے, ان کے لیے بھی آپ اسپیشل کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں جو ان گروپ میں سے, جو 24 بچوں کا ایک گروپ ہے, بنچ ہے, اس میں سے جو اچھا پڑھیں گے, اچھی پرفارم کریں گے, ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو بچے وہاں سے شائننگ سٹار ہوں گے ہم ان کو پک کریں گے اور اچھے اسکولز میں ان کا ایڈمیشن کروائیں گے, وہ اپنی ریگولر جو ہے باقی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ایجوکیشن حاصل کریں گے. لیکن ہمیں پھر آتا ہے کہ ان کی فیملیز کو ہم نے کیسے کنوینس کرنا ہے, لیکن ان کی فیملیز کو جتنا وہ ارن کر رہے ہوں گے اتنا ہم ان کی فیملیز کو پے کر رہے ہیں, ہم پے کر رہے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے, تو اب مشکل ہو گیا ہے ان کے پیرنٹس کو کرنا, کیا وجوہات سامنے آتی ہے سب سے مشکل کام, کس کیا ریزن کیا دیتے ہیں کہ کیوں وہ چاہتے ہیں کہ نہ بچے جائیں اسکول میں؟ صرف ایک یہی ریزن ہے کہ کیونکہ وہ ارن کر رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, ایک ارن کرنے کی ریزن بھی ہے. دوسرا ایک وہ کہتے ہیں کہ یار بچہ ہمارا پڑھ لکھ کے کرے گا کیا, بنے گا کیا؟ آپ موسٹلی وہ لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, انہوں نے کہتے ہیں یار انہوں نے یہی کرنا ہے, انہوں نے اسی لائف اسٹائل میں رہنا ہے, یہی کرنا ہے انہوں نے آگے, ہم یہ کر رہے ہیں تو کل کو انہوں نے بھی یہی کرنا ہے. وہ اس سے باہر نکلتے ہی نہیں ہے, وہ جو ان کا سرکل ہے نا اس سے باہر سوچتے ہی نہیں ہے. اچھا تو ایک تھنکنگ کو چینج کرنے کے لیے بہت ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے, بہت محنت بھی چاہیے ہوتی ہے, سیٹ ان کا ٹوٹل چینج کرنا پڑے گا, آپ کو برین واش کرنا پڑے گا. جی جی آپ کچھ ڈیفیکلٹی. اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان بچوں کی فوڈس کے حوالے سے, ہیلتھی ڈائٹ کے حوالے سے بھی کچھ پلان آپ ساتھ کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو ہمارے کچھ کلب ممبرز بھی ہیں وہ نیوٹریشنسٹ ہیں, ہیومن جو ہے نیوٹریشن اینڈ ڈائٹکس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, وہ جا کے وہاں پہ ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ کرواتے رہتے ہیں, اسکریننگ کیمپ کرتے ہیں وہاں پہ, ہم نے پیچھے ہیپاٹائٹس کے کیمپس کیے وہاں پہ, ہم پولیو کی ریگولر وہاں پہ کمپین کرتے ہیں, کیونکہ پولیو ہمارا روٹری کا ایک اپنا فلیگ شپ پروجیکٹ بھی ہے, ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ پولیو کی تھیم بن لگی ہوئی ہے, تو ہم پولیو کی ویکسینیشن ان کے لیے وہ مطلب پراپرلی ارینج کرتے ہیں وہاں پہ ان بچوں کے ساتھ جا کے. تو ہم تو اپنی طرف سے جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, لیکن جب تک 100% رزلٹ تب ہی آئے گا جب تک ان کی فیملیز جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہوں گی, وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں گی. اچھا ویسے آپ نے ایک زبردست کام بھی کرے, مجھے بتائیے گا, جیسے آپ نے کہا پیرنٹس کو کنوینس کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے, بچے ولنگ ہے پڑھنے کے لیے؟ آپ نے ان بچوں میں وہ چیز دیکھی ہے, بچے کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ تبھی ان کو لے کے آگے چل سکتے ہیں نا جب بچے بھی خود سے ولنگ ہوں گے کام کے لیے. میڈم جب اسٹارٹ ہم نے کیا ہمارے پاس نمبرز زیادہ تھے, بچے مطلب آئے اس میں سے کچھ چلے بھی گئے, ان کو دوبارہ ہم اسی کوشش میں کہ واپس لے کے آئیں, لیکن ابھی جن بچوں کے نمبرز میں نے آپ کو دیے ہیں یہ ولنگ ہے کام کرنے پڑھنے کے. اچھا ماشاء اللہ یہ ولنگ ہے ان شاء اللہ, اور ان میں سے مجھے یقین ہے میرا یہ کہ ان میں سے ان شاء اللہ 100% ہمارے یہ بچے سارے آگے جائیں گے, بس ہم تھوڑا سا ان کو ٹریک پہ لے کے آ رہے ہیں, ان میں اتنا کانفیڈینس لے کے آ رہے ہیں کہ وہ جا کے باقی بچوں کے ساتھ بیٹھ سکیں کلاسز کے اندر, ہم ان کو کانفیڈینس دے رہے ہیں, آپ انہیں یہ سکھا رہے ہیں, کیونکہ ایک کمپلیکس آ جاتا ہے نا بچوں میں کہ میں کہاں سے اٹھ کے آیا ہوں تو پتہ نہیں میں پڑھ پاؤں گا یا نہیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ان کو کانفیڈینس دینا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ میں بھی وہی صلاحیتیں رکھی ہیں جو نارمل بچوں میں ہیں, یہ بڑا اچھا کام ہے, زبردست. عروج آپ بتائیے سب سے فیوریٹ ڈیزائنر کون ہے آپ کے؟ عروج کے HSY آپ کو بہت پسند ہے. اچھا نومی انصاری بہت اچھے ہیں, نومی انصاری نو ڈاؤٹ, ان کے بھی کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں. تو ماڈل کون پسند ہے عروج کو؟ زارا عابد. زارا عابد آپ کو پسند ہے, ایکٹنگ کی وجہ سے وہ آپ کو پسند ہے؟ نو, ماڈلنگ کی وجہ سے. اچھا ہاں ماڈل. اچھا وہ آپ کو پسند ہے, اور مجھے یہ بتائیے گا ایکٹنگ کا شوق ہے؟ ہاں بالکل ہے. ایکٹنگ کریں گی آپ آگے کنٹینیو کریں گی اگر چانس ملا؟ یہ آپ کا ماڈلنگ فرسٹ اسٹیپ تھا اور آنا ایکٹنگ کی طرف تھا, یا ایکٹنگ آگے ایک کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے جانا ہے آپ نے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک اچھا چانس مل رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو مطلب اویل کرتے ہو, بالکل ایگزیکٹلی آپ اس کو اویل کرتے ہو اپرچونیٹی کو. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مطلب آپ یہ سوچو نا کہ ہم نے صرف یہ کرنا ہے, آپ خود کو لمیٹائز کر لو, تو آپ وہ بھی نہیں کرنا کر پاتے ہو جو آپ کرنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کہ لائک میں نے جب آنا تھا اس فیلڈ میں تو مجھے لگا کہ نہیں سب سے پہلے مجھے ماڈلنگ سے اسٹارٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ
ہوگا اس میں کہ مجھے ایٹ لیسٹ کیمرہ فیس کرنا آ جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ کہ پھر ایکٹنگ میں آگے جس طرح اسکلز اس میں امپروو ہوتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم, تو یہ کہ میں نے چھوٹے چھوٹے مطلب رولز سے اسٹارٹ کیا, چھوٹے چھوٹے کمرشل سے اسٹارٹ کیا, لائک جسٹ جس طرح آپ کہہ لیں کہ سپورٹنگ رولس کے لیے نا, تو لیکن یہ کہ اگر اچھا چانس ملا تو ڈیفینیٹلی میں اس کو. اچھا ٹھیک ہے, اروز مجھے بتائیے گا, جیسے آپ نے ذکر کیا چھوٹے چھوٹے کمرشل سے آپ نے اسٹارٹ کر لیا, کیمرہ فیس, کوئی مشکلات ہوئی جب پہلا فوٹو شوٹ کروایا آپ کو, کوئی پرابلم ہوئی آپ کو؟ نہیں, ایز سچ کوئی. لوگ کیسے ملے آپ کو ماڈلنگ میں, جیسے کیونکہ جب آپ نے اسٹارٹ لینا تھا کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور آگے لے کے آئے؟ بہت اچھے لوگ تھے, میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ برے تھے, اور ڈیفینیٹلی کہ انسان کے اوپر خود بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا, تو یہ کہ جس طرح آپ ان کو رسپانس دیتے ہو آپ کو ویسا ہی رسپانس آگے سے ملتا ہے. جی ٹرو. تو یہ کہ بہت اچھے لوگ تھے, میرا مطلب جتنا میں نے سنا تھا فیلڈ کے بارے میں کہ فیلڈ اچھی نہیں ہے, یہاں پہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا الحمدللہ. مجھے ایک بہت اچھا سرکل ملا ہوا ہے جن کے درمیان میں کام کر رہی ہوں, مجھے بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے. زبردست. اچھا عروج مجھے بتائیے گا, جیسے آپ نے بتایا کہ اچھے لوگ مل گئے, یہ بھی آپ کی بڑی خوش قسمت ہوتی ہے, آپ کے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے آپ جس فیلڈ میں جاؤ آگے آگے سے اچھے لوگ آپ کو مل جائے, ماڈلنگ میں بھی آپ کو اچھے لوگ ملے, تو ماڈلنگ میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ماڈل کی گرومنگ, گرومنگ کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, لیکن گرومنگ میں جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مطلب سیلف گرومنگ صرف اس میں نہیں آتی, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ کا کانفیڈینس لیول آتا ہے سب سے پہلے, آپ کا یہ آتا ہے کہ آپ اگر برانڈ شوٹ کر رہے ہو, اسٹائل شوٹ کر رہے ہو, تو ہاؤ ٹو کیری دی ڈریسز, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائمز ہوتا ہے کہ لڑکیاں آ جاتی ہیں فیلڈ میں لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا, وہ فیڈ اپ ہو کے اسکپ کر جاتی ہیں, لیکن یہ کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کی گرومنگ ہوتی رہتی ہے, آپ کو صرف ایک چانس ملنے کی دیر ہوتی ہے, چانس ملنے کی دیر ہوتی ہے. تو آپ کو لوگوں نے گروم کیا, کچھ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو بتایا کہ عروج اس طرح سے نہیں اس طرح سے چلنا ہے اس فیلڈ کو لے کے آپ کو اتنی گرومنگ کرنی ہے؟ بالکل, مجھے بتایا ہے, انفیکٹ انہوں نے مجھے پراپر جو ہے وہ اس کے بارے میں سارا کچھ سمجھایا کہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے کرنا چاہیے آپ کو. تو یہ کہ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, آپ ٹائم ٹو ٹائم سیکھتے ہو جو بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹائم ٹو ٹائم آپ سیکھتے ہو اور آگے بڑھتے ہو. تو میم آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کے استاد کو نے کسی سے سیکھا آپ نے؟ جی میں نے بابا جی چشتی سے سیکھا, اور بشارت پر صاحب ان سے سیکھا آپ نے؟ ہاں باقی سیکھتے رہتے ہیں, سیکھتے رہتے ہیں, یہ کام سیکھے یہ کام تو چلتے ہی رہتے ہیں, سمندر ایک دریا جیسے سمندر کا کنارا نہیں ہے, بس اس کا بھی کوئی کنارا نہیں ہے, ٹھیک ہے, سیکھنے کا عمل نہیں رکتا, ہر دن نیا دن ہے, ٹھیک ہے. تو آج 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 کے سنگرز کو سنتی ہیں آپ؟ نئے سنگرز جو آ رہے ہیں؟ بالکل سنتی ہوں. میم آج کے سنگرز میں تھوڑا یہ ہوتا ہے, ایک تو وہ سیکھتے نہیں استاد نہیں بناتے, تو استاد کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ وہ اپنے استاد خود ہیں, وہ اپنے استاد خود ہیں جی. جو سر میم جو اپنا استاد خود جیسا بھی کر رہے ہیں ان کی بڑی ہمت ہے کہ وہ کر رہے ہیں سروائیو, اس دور میں سروائیو کر رہے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, خود ہی لکھ رہے ہیں, خود ہی کمپوز کر رہے ہیں, بہت محنت ہے ان کی اور بڑے کانفیڈینس سے کر رہے ہیں. آپ کا کوئی گانا شاعر لکھتے تھے یا آپ بھی کبھی خود لکھ لیتی ہیں اپنے لیے؟ اب تو کچھ یاد نہیں, کچھ یاد ہی نہیں ہے, چلے اتنا کام کیا انہوں نے یاد ہی نہیں ہے, چلے کوئی بات نہیں. آج کے سنگرز جو ہے نا خود لکھ بھی لیتے ہیں, شاعر بھی ہیں, کمپوز بھی کرتے ہیں. نہیں کبھی ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا؟ میں نے کبھی, آپ رسک نہیں لیتی؟ نہیں نہیں, میں ٹھیک ہو گیا. تو لائبہ سے بھی پوچھیں گے جو میں نے عروج سے سوال کیا. لائبہ ماڈل, ایک ماڈل جو ہے اس کی گرومنگ کتنی ضروری ہوتی ہے, یہ میں ہر ماڈل سے پوچھتی ہوں, کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں اس میں گروم بھی کرنا ہے آپ نے, سیلف گرومنگ ہے اس میں, کانفیڈینس ہے, آپ کا وے آف ٹاکنگ ہے, آپ کے ڈریس کیری کرنے کا طریقہ ہے, کیونکہ ہر ڈیزائنر کے ڈفرینٹ ڈیزائن ہوتے ہیں نا, آپ اپنے مطابق, آپ مجھے پتا ہے میں کیسی ہوں, میں اپنے مطابق کپڑے سلوا لوں گی, لیکن ڈیزائنر نے جو ڈیزائن کیا مجھے وہ کیری کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں گرومنگ ضروری ہے؟ ہاں کافی ضروری ہے. مجھے مسئلہ ہوا تھا ایک دفعہ نا, جب میں نے برائڈل شو تھا میرا, تو مجھے نہیں اچھی طرح کیری کرنا آ رہا تھا, مجھے سمجھایا انہوں نے کہ اس طرح فرسٹ ٹائم مجھے مشکل ہوئی, دوسری ٹائم میں بالکل ٹھیک ہو گئی, ایزی ہو گئی تھی, ایزی ہو گئی کہ مجھے سمجھ آ گئی تھی. ڈانٹ بھی پڑی تھی فرسٹ ٹائم جب تھی میں, کیونکہ فرسٹ ٹائم تھا, چھوٹی بھی تھی اس لیے سمجھ بھی نہیں, ابھی بھی چھوٹی ہیں, ابھی کہاں بڑی ہوگی, میٹرک میں ہیں تو ابھی بھی آپ, تو ہاں اوبویسلی کام میں آپ کو ڈانٹ پڑتی ہے جب آپ ساتھ میں آتے ہو, ٹھیک ہو گیا. تو ابھی آپ خوش ہیں ماڈلنگ سے؟ میں بہت خوش ہوں. زبردست. اب میل ماڈل کوئی یاد ہے کون اچھے ہیں میل ماڈل؟ سب بھی اچھے تھے جو میرے ساتھ تھے نا اس ٹائم, وہ سب جنہوں نے لائبہ کے ساتھ کام کیا وہ سب اچھے ہیں, اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جو لائبہ کے ساتھ جنہوں نے کام نہیں کیا ہم بالکل اس کے بارے میں بات کریں, ایسے ہی ہے, ہم ان کے بارے میں بات کریں گے جو لائبہ کے ساتھ. عروج آپ بتائیے, آپ کو کوئی میل ماڈل اچھا لگتا ہے کیونکہ بہت بڑے زبردست کام کر رہے ہیں؟ جی
मास खान आपको अच्छे लगते हैं, उन्होंने आपके साथ काम किया? हाँ, हम लोगों के साथ। ठीक है जी, हमारी मॉडल्स आज उनके बारे में बात करेंगे जो उनके साथ काम किया। नहीं, असल में वो बहुत सीनियर हैं और ये क्या उनसे काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। हाँ, ये बड़ी चीज है, ये मैटर, ये बड़ा मैटर करता है कि आप किससे क्या सीख रहे हैं। तो हम वापस आते हैं अपनी दर्द भरी भरी कहानी की तरफ, कैंडी बार भी कम खाते हैं और इसे कितना कम खाना चाहिए और किस तरह से सेल्फ मेडिकेशन से कैसे बचा जा सकता है। सर, सेल्फ मेडिकेशन से जो है ना, सबसे एक तो अवेयरनेस जो है ना बहुत ज़रूरी है, जो अब हम कर रहे हैं कि लोगों को गाइड बताएं और प्रॉपर उन्हें गाइड करें कि कोई भी आपने जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसी से जो है ना आप उसके बारे में पूछें। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप अपने जो है ना खुद जो है ना डॉक्टर बनने की बजाय, ठीक है, खुद मेडिकेशन करने के लिए प्रॉपर जो है ना टाइम पर जाएंगे, उसमें आपको दो बेनिफिट्स हैं। एक तो आपकी लाइफ जो है ना सेहत अच्छी होगी, ठीक है और आपको जो मेडिसिन आप यूज करेंगे वो टू द पॉइंट जो है ना मेडिसिन आप यूज करेंगे, ठीक है, और शॉर्ट मेडिसिन में आप मैक्सिमम बेनिफिट जो है ना आप गेन कर सकते हैं, ठीक हो गया। एज कम्पेयर डेट के आप जो है ना अलॉट ऑफ मेडिसिन आप यूज करें और उसके खाने के बाद भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि वहीं रहे, ठीक है, तो इसके बजाय आप क्यों ना प्रॉपर राइट प्लेस पे राइट टाइम पे और आप पहुंचे और राइट मेडिसिन आप जो है ना उसे यूज करें। अच्छा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना चीज है, अगर टू द टाइम में जो है ना ऑन द टू द टाइम और ऑन द टू द पॉइंट मेडिसिन अगर आप मेडिसिन यूज करेंगे तो आपको फौरन जो है ना बेनिफिट ज्यादा इसके। अच्छा, सर मेडिकेशन की बात हो रही है तो हमारे यहाँ एक कॉमी मेडिसिन जिन्हें मैं कहती हूं कॉमी गोली, आपको कोई भी पेन हो कहां भी पेन हो तो आप वो दो लीजिए और आप ठीक हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, हम सबकी बैग्स में भी है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बात कर रही हूं, ये मैं खुद भी माशाल्लाह से बकायदा शो से पहले और बाद में भी खा लेती हूं अक्सर ही। तो सर ये पेन किलर के बारे में क्या कहेंगे, क्या हमें लेनी चाहिए पेन किलर या नहीं? फौरन नहीं लेनी चाहिए। एक लेट्स से कि कोई भी पर्सन है उसने सारा दिन वर्किंग की है या ड्राइव करके आया है तो उसे ड्राइव की जो है ना वो वर्किंग की जो है ना उसके हवाले से वो थक गया है, बॉडी जो है ना रात को सोने का टाइम है तो मेडिसिन लेता है फिर सो जाता है। अगर वो मेडिसिन ना भी ले वैसे ही सो जाए तो सुबह वो फ्रेश उठेगा। हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि मैंने मेडिसिन लेनी है तो मैंने दो मेडिसिन ले लीजिए सुबह तक ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यकीन करें कि आप वो मेडिसिन बिल्कुल ना ले, ठीक है, उसकी जो है ना रेस्ट करें, उससे जरूरत है रेस्ट की, उसे पेन किलर की या कोई ऐसा चले डेड मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मगर हमने जो है ना क्योंकि वो किसी अच्छा यार तुमने आज ड्राइव की है रात सारा दिन सुबह ड्राइव करके अभी रात पहुंचे हैं सुबह फिर हमने मूव करना है तुम ऐसा करो कि ये दो गोलियां जो है ना बरकत के तौर पे खा लो सुबह तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। मेरा यकीन करें कि मेरा मैं खुद भी जो है ना बहुत कम मेडिसिन यूज करता हूं। यकीन करें कि मैंने कोई लास्ट 2 ईयर्स में जो है ना जो हमारी वो कोमी मेडिसिन है मैंने 1 टैबलेट या 2 टैबलेट यूज की होंगी वो भी जब मुझे टेम्परेचर था एज ए एंटीपायरेटिक मैंने उसे यूज किया, अदरवाइज मेडिसिन मैंने बिल्कुल नहीं यूज करता जितना, क्योंकि आपने अगर सर दर्द हो रहा है तो आप देखेंगे क्यों हो रहा है, मैंने काम किया वर्किंग किया उस वजह से आप रिलैक्स करें, थकावट की वजह से प्रॉब्लम है, ठीक है। हम वो थकावट को जो है ना दूसरी तरह से हम ट्रीट करना शुरू कर देते हैं बीमारी के तौर पर शुरू। आप थकावट हुई आप रिलैक्स करें, एक कप चाय का लें और आप जैसे कोई अगर अच्छा जो है ना दोस्त मिल जाए तो उसे गपशप करें आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे ऐसे। अच्छा, थकावट को हम बीमारी के तौर पे लेते हैं और बीमारी को हम थकावट के तौर पे लेते हैं, बीमारी को तो हम बीमारी को हम जो है ना वो कहते हैं यार ये तो इसका मैं एक्सपर्ट हूँ और सेल्फ मेडिकेशन हम यूज करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे हमें एक्सपर्टीज दिखानी चाहिए यार आपको ये प्रॉब्लम है थकावट की वजह से, रिलैक्स करें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो मगर हम लोग फॉरन मेडिसिन ले, अच्छा ऐसा है जो है ना जब पेन किलर यूज करते हैं ना उसके एक और बड़े ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। आपके पेन किलर भी डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल है पाकिस्तान में, ठीक है। अब हर पेन किलर एक ही चीज के लिए नहीं है, दर्द को तो उसके कंट्रोल करने ही करने, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप पेन किलर लेते हैं तो उसके आपका जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है ना मैदा खराब होगा तो आपके और ज्यादा प्रॉब्लम आपको जो है ना आपने एक तो दर्द तो खत्म हो गई मगर उसके साथ साथ एसोसिएट आपको अदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, जीआई डिस्टर्बेंस होगी तो जीआई प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाएगी, गट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए खुदा रख कोई भी खुद मेडिसिन जो है ना फिर मैं बार बार कहूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन से जो है ना अवॉइड करें, प्रॉपर डॉक्टर के पास राइट टाइम पे पहुंच जाएं और फौरन जो है ना वो आपको शॉर्टली मेडिसिन देगा वो आप ले और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके बजाय कि अगर हमने देखा है मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा आया है कि लोग हैं वो एक पेन किलर मुसलसल यूज़ करते जा रहे हैं, अब उसके यूज़ करने का फ़ायदा क्या, प्रॉब्लम क्या आई कि उनके किडनी जो है ना इफेक्ट्स हो गए,
अब किडनी वो डैमेज चीज जो है ना वो उनके होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनके फेस पे देखें, फेस पे स्वेलिंग आना शुरू होगी। मैंने पूछा एक भाई से, मैंने कहा यार आपके फेस पे स्वेलिंग है, क्या प्रॉब्लम है? कहता है बस कुछ नहीं, मुझे बैक एक की प्रॉब्लम है, तो मैं ये फिलहाल मेडिसिन जो है ना वो मैं मुसल से यूज, वो रोज एक टेबलेट में ले लेता हूँ। मैंने कभी किसी डॉक्टर ने कहा नहीं, वो मेरे फलाम भाई ने कहा था कि आप ये मेडिसिन ले लें, तो मैंने वो खाई है, मुझे बड़ा फायदा है। मेरी तो वो जो है ना फर्क पड़ा है, मेरी वो कमर दर्द बिल्कुल ठीक है, मैं सारा दिन बेहतरीन जो है ना वो काम कर लेता हूं। वो तो टाइम बीइंग वो ठीक हो जाते हैं, टाइम बीइंग तो ठीक हो जाते हैं, मगर उसके साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट्स पे ये आ रहा है, वो किडनीज को इफेक्ट करते जा रहे हैं उसके। एक है इसी हवाले से, वो मैंने देखा कि अब जो है ना वो जो है नेशनल ज्योग्राफिक में एक मूवीज चल रही थी, उसमें एक खास किस्म का, मैं वो नाम नहीं लूंगा मेडिसिन का, वो उन्होंने ट्रायल के तौर पर यूज करवाई जानवरों में। अब वो जो है ना जानवर की जब डेथ हुई तो गिद्ध ने उन जानवर को खाना शुरू कर दिया। ओहो, जब वो खाते हैं तब उन्होंने वो गिद्ध पे एनालिसिस किया, तो वो गिद्ध उनके जो है ना जो जिसकी डेथ हुई थी जानवर की, उसके किडनीज इफेक्ट से वो उन्होंने खाना शुरू किया, गिद्धों के भी जो है ना इफेक्ट आना शुरू हो गया। ओहो, ये पूरा एक मुसलसल एक साइकिल चल जाता है। तो इसलिए मेडिसिन कोई भी ऐसे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ ना हेपेटाइटिस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लीवर इंपेयरमेंट्स के वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी की वजह से डिफरेंट जो है इफेक्ट, बिकॉज हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम। हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को भी चाहिए कि कोई भी पेन किलर ऐसे यूज ना करें, उससे मजीद उनके लीवर जो है इफेक्ट्स होने का खतरा है। डॉक्टर्स के पास जाएं, वो रिकमेंड करेंगे कि आपका लीवर की क्या कंडीशन है, हेपेटाइटिस का क्या लेवल है, और उस हवाले से वो आपको एक खास लाइट से मेडिसिन देगा, और वो आपको कहेगा भाई ये टाइम पे इस आप यूज कर ले, उससे आपके मजीद लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी, ठीक हो गया आप। तो इस हवाले से खास तौर पे लीवर के जो पेशेंट्स हैं, किडनी के जो पेशेंट्स हैं, और जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, वो खास तौर पे कोई भी जो है ना एंटीबायोटिक्स और कोई भी पेन किलर सेल्फ मत यूज करें। इवन के डॉक्टर खुद जो हैं वो आपसे पहले पूछते हैं भाई आपको कार्डिक प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ, आपको लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, बीपी हाई लो तो नहीं है, कुछ भी सारी चीजें वो पूछते हैं, किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, वो क्यों पूछ रहे हैं? अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो फिर उसी हवाले से उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन आपको दी जाए, ठीक है। हर मेडिसिन प्रोफेशनल लोग आपसे पूछे के आपको रिकमेंड कर रहा है, आप एक नीम हकीम से जिसे पता ही नहीं है, आप उसके कहने पे आपने मेडिसिन यूज कर लिया, आपको लीवर को प्रॉब्लम करना शुरू कर दे, ठीक हो गया, कार्डिक को इफेक्ट करना शुरू कर दे, तो क्या करेंगे? सही हो गया। इसके साथ ये बातें तो चल रही हैं, मजीद भी हम इनसे पूछेंगे कैल्शियम के बारे में, क्या कैल्शियम के नुकसान भी होते हैं, ये बड़ी एक अजीब सी चीज सुनी है आज मैंने, इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैम से उनकी खूबसूरत सी आवाज में उनका गाना सुनेंगे। Yeah.
वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे ना पुराने गाने, और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा सुर आ रहा है जी सुनने में भी, एक बड़ा सरूर सा आ रहा है इनको सुनने में, वेरी नाइस मैम, जबरदस्त। आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, आप एक प्रोजेक्ट है जी ग्रो पाकिस्तान, इस बारे में बताएंगी क्या है, कैसे ग्रो करेगा हमारा पाकिस्तान? ग्रो पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तान वाइड नेशन वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ बेस्ड है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, टेक्नोलॉजी है, टूरिज्म है, और उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट है। जो वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं एक बात अभी ऐड कर देता हूँ, इसमें हमारी आजकल मैं समझता हूँ वुमेन एम्पावर्ड है, हमें काम करने की जरूरत है वुमेन रिस्पेक्ट पे। आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पे काम तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे केसेस आजकल हमें क्या सामने आ रहे हैं, हैरेसमेंट के आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। हमारा अभी तक वो काम का कल्चर जो है ना, को वाला कल्चर हमारे भी माइंड सेट में बैठा नहीं हुआ, डिवेलप नहीं हुआ अभी तक वो। जब तक हमें हम रिस्पेक्ट नहीं करना सीखेंगे तब तक हमारी वुमेन को हम एम्पावर्ड करके भी साइकिल बैलेंस कर सकते के साथ। यहाँ सिर्फ खवातीन की रिस्पेक्ट नहीं, यहाँ पे हर वर्कर की रिस्पेक्ट हर फील्ड में बहुत जरूरी है, बेशक वो मेल है या नहीं, आप डिसरिस्पेक्ट उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। काम से रिलेटेड आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें सिर्फ खवातीन ही, खवातीन एक मेन स्टेप आ जाता है। हमें अपने बड़ी अच्छी बात की, हमारी खातून बा इख्तियार है, अब हमारी खवातीन ऐसा नहीं है, हमारे पास माशाल्लाह से खवातीन बैठी हुई हैं, ये बच्चियाँ हैं, ये नई नई आ रही हैं आगे, तो इसका मतलब बा इख्तियार हैं हम, हमें रिस्पेक्ट की जरूरत है, और वो रिस्पेक्ट सबके लिए बड़ा जरूरी है इंसान होने के नाते जी। एम्पावर तो हम कर रहे हैं इनको, यू आर राइट। इस पे एक और भी चीज है, एक तो बा इख्तियार तो हैं, अब हमें अपने पता नहीं हमने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कैसे करना, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे पास जो इख्तियारात हैं आया मैं इसे इन इख्तियार को राइट यूटिलाइज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, अगर मेरे यूटिलाइजेशन ही बिल्कुल ठीक नहीं है तो फिर हम उसका रॉन्ग यूज होगा जी। बिल्कुल आपकी राय भी लूंगी, लेकिन हाँ जी आप बात कर रहे थे इसके जितने भी जो जो काम हो रहा है इस प्रोजेक्ट में वो बताइए। और उसके बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप पे हमारा काम करने का तरीका, ये आपको आइडिया है, 64% हमारी यूथ है पाकिस्तान की, ऐसे ही है। हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमारी 64% यूथ को जॉब्स दे सके, हमें इस तरफ लेके आना है अपनी यूथ को, हमें उनको अवेयर करना है, हमें स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री की तरफ लेके आना है उनको, ताकि हमारी अगर ये यूथ अपने आइडियाज़ अपने प्रोजेक्ट्स जो लगाएंगे वहाँ से हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, ये लोग हमारी यूथ खुद स्ट्रांग होगी, एम्पावर्ड होगी, हमें हमारे अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। हम कहते हैं ना हमारी कंट्रीज़ में मसाइल इतने ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, हम अगर उसको दूसरे में देखें जितने प्रॉब्लम्स हैं उनके हमें उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। और ये हमारी यूथ को अभी हमें इस साइड पर लेके आना है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें यही हम वहाँ से सीख के निकलते हैं कि आपने इसके बाद जाके जॉब करनी है, ठीक है। मार्केट में जॉब्स हैं नहीं, और ना हम उतनी स्किल्स लेके निकलते हैं अपने इंस्टीट्यूशन से कि जाके हम जॉब्स के लिए केपेबल हों। हमने पीछे एक सेशन किया सियालकोट में जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इशू आया, जिसमें हमने अकेडमिया और इंडस्ट्री के लोगों को, टॉप क्लास लोगों को वहाँ पर बिठाया, चैम्बर के लोग हमारे पास थे, हमारे पास वाइस चांसलर थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, और वो एक ही डिबेट चल रही थी, वो लोग कह रहे थे कि आप जो बच्चे भेज रहे हैं हमारे पास वो बच्चे इतने कैपेबल नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में वो फिट आ सकें एक साल की ट्रेनिंग के बगैर, और यूनिवर्सिटीज़ वाले कह रहे थे कि हम बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं ये रख नहीं रहे उनको। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं स्किल का, स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है हमारा कुछ है। अपना जो है करिकुलम चेंज करने की ज़रूरत है, एजुकेशन का कुछ चेंज करने के, हम वही 1970s वाला 75s वाला वही चीज़ें अभी तक बढ़ा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में सर्वाइव बच्चे कर रहे हैं, जो यूथ है वो सर्वाइव कर रही है, इंडस्ट्री वाले अपनी जगह ठीक है, इंस्टीट्यूट वालों को चाहिए कि अब अपना वो जो कोर्स है ना वो डिजाइन जो किया हुआ है ना उसमें थोड़ी चीजें रीडिजाइन करने की जरूरत है, रीडिजाइन कर लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम जो ग्रो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जिन बच्चों के पास अच्छे आइडियाज हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है उनको हम अपने जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बिठा रहे हैं, उनका आइडिया पिच करवा रहे हैं, उस आइडिया को प्रेजेंट करवा रहे हैं बच्चों से, और हम इन्वेस्टर्स ला के दे रहे हैं उनको कि आप इसमें इन्वेस्ट करें और इनके बिजनेस जो है वो स्टार्ट करवाएं। अब होता क्या, हमारी गुड मीटिंग करवा रहे हैं जी, अब होता क्या हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, और जैसे अभी आया हमारा कामयाब जवान प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे 17, 18, 19, 20 ग्रेड्स के लोग उसमें से पैसे ले रहे थे,
यही बात हमारा प्रोग्राम गवर्नमेंट बहुत अच्छा डिज़ाइन करती है, लेकिन एज अ नेशन हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं। हम 19-20 ग्रेड्स के ऑफिसर्स होके 3,000-6,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारे नाम है। हमारे वो लोग वहाँ से ले रहे होते हैं जो हकदार भी नहीं है उसके, हमारी वो असल यूथ है, टैलेंटेड यूथ है, उस तक वो चीज़ उस तरीके से नहीं पहुँच रही होती। एज अ प्राइवेट सेक्टर, एज अ पाकिस्तानी हमारी ये जिम्मेदारी है, हम हर चीज़ पे क्रिटिसिज्म तो कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, लेकिन हमें खुद भी प्रैक्टिकली कुछ करना है। वो एक शेर भी है ना, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो हम अपने हिस्से को एक शमा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम किसी एक लाइफ को भी चेंज कर पाएं, दो लाइफ को भी चेंज कर पाएं, तो हम समझेंगे कि हमारी सक्सेस है ग्रो पाकिस्तान। तो लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरह से वो आपसे मीटिंग कर सकते हैं, आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड है वो सीखना भी चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे पास आ रहे हैं। हमने आपने पाकिस्तान में पहले टीन एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं सुना होगा, हमने आज से चार माह पहले भी अभी आके ये वर्ड निकला है, लोगों को समझ आना शुरू हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज में शायद कोर्स भी करवाना शुरू कर दिए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। पहले तो ये कॉन्सेप्ट शायद था ही नहीं, यही था कि डिग्री आ गई तो इससे रिलेटेड जो जॉब है वो करनी है। हमने टीन एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट दिया, हमने इस्लामाबाद के अंदर उसके सेशन करवाया जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आए, और हमने टीन एजर्स जो थे वहाँ पे उनको बुलाया, उन्होंने आके अपने आइडियाज़ को पिच किया वहाँ पे। हम उनके साथ फिर मेंटोर्स को लगा रहे हैं कि जो उनके आइडियाज़ में कमी है हम उसको पूरा करें, उसको थोड़ा मैच्योर उसको मैच्योर करें, और उसके बाद उनको हम इन्वेस्टर्स दें। हम अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ कोऑर्डिनेशन में है, जो वहाँ से अच्छे इन्वेस्टर्स बैठे हैं, हम इसको बड़ा प्रॉपरली और गवर्नमेंट के साथ भी बैठ ऑन बोर्ड है उनके साथ, हम उनके साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह सितंबर के अंदर एक बहुत अच्छी बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं जिसमें कोई 7 डेज कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें ट्रेनिंग्स चल रही होंगी, जिसमें हमारे जो लोग पिच कर रहे होंगे, हमारी यूथ पिच कर रही होगी अपने आइडियाज, और उनको हम वहाँ पे इन्वेस्टर्स ला के बिठाएंगे और वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह, उनके साथ वो बिजनेस कर रहे होंगे। और हमारा सियालकोट के अंदर हमने सियालकोट एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें लोगों को ऑन बोर्ड, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सियालकोट के, हमने उनको ऑन बोर्ड लिया वहाँ पे, वहाँ पे आके लोगों ने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए। इसी तरह हम हर सिटी में जा रहे हैं, हम सिर्फ ये 4-5 मेन शहरों में नहीं जा रहे। आप लाहौर की बात करेंगे, लोगों को कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आप अगर यही बात जाके अंदरूनी सिंध में करेंगे, इंटीरियर सिंध में लोगों को कंसेप्ट नहीं है इस चीज़ का। आप जाके ये बात आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे करेंगे, लोगों को कंसेप्ट नहीं है, केपीके के इंटीरियर्स में नहीं है। हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया था कि अप्रोच कैसे करते हैं, हमारे हर सिटी में चैप्टर्स हैं, हमने अपने हर सिटी में चैप्टर्स बना दिए, हमारी वहाँ पे टीम्स काम कर रही हैं, वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में, हम अपना सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइट्स है, वेबसाइट्स है, वहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ हमें भेजते हैं, हम उनको लूप में लेके जो ही हमारा कोई नेक्स्ट प्रोग्राम आ रहा होता है हम उस पर उनको कॉल करते हैं, आप अपनी तैयारी के साथ आएँ यहाँ पर आके अपना आइडिया प्रेजेंट करें। आप ये जो 7 डेज आपकी कॉन्फ्रेंस है कब स्टार्ट हो रही है? ये हम सेप्टेम्बर के अंदर कर रहे हैं। इसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे? यहाँ पे हमारे डिफरेंट सिटीज से आ सकते हैं, डिफरेंट सिटी से लोग होंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग होंगे इसके अंदर, और हम पहले हर सिटी के सिटी में जाएंगे, उनको वहाँ से शॉर्ट लिस्ट करेंगे। अगर एक सिटी के अंदर 20 लोग विलिंग हैं, जिन 4 के आइडियाज़ बहुत स्ट्रांग होंगे, हम वहाँ से उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उनको ला के हम अपनी मेन वो हम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, वहाँ पे प्रेजेंट करवाएंगे उन आइडियाज़ को, और वहाँ पे फिर उसको अगर उसमें और मैच्योरिटी की ज़रूरत है, या उनको ट्रेनर्स की ज़रूरत है, मेंटोर्स की ज़रूरत है, हम उनको वो प्रोवाइड करेंगे, या अगर उनका आइडिया ऑलरेडी इतना मैच्योर है कि जस्ट उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और वो अपना बिज़नेस अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त। ये हम एक अपना मिशन लेकर निकले हैं, आप सबकी दुआओं से और इस यूथ की इन्वॉल्वमेंट से इंशाल्लाह हम सक्सेसफुल होंगे। जो भी कोई बिजनेस स्टार्टअप हो रहा होगा आप देखेंगे उसके अंदर 5-6-7-8 लोग साथ जॉब भी कर रहे होंगे, हम इससे जॉब क्रिएशन भी कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन भी करेंगे। हमें हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना, हम 64% यूथ को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकती, और ये हकीकत हमें माननी पड़ेगी। हम ब्लेम तो कर रहे होते हैं उनको, लेकिन एज अ सिटीजन हम क्या कर रहे हैं, हमारी इनपुट क्या, हमारे भी कोई प्राइस है जी, हमें भी वो पूरे करने हैं, उस पे हमें जो है ना वो सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, जबरदस्त काम करें जी, बेस्ट ऑफ लक आप जो काम करें, और जो आप कॉन्फ्रेंस कराना चाह रहे हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जैसे वो बता रहे सोशल मीडिया पे पेज भी है, वेबसाइट भी, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप पहले घरों से निकलिए, पहले सोच लीजिए कि हमें किसी ने नहीं आके चेंज करना, हमें खुद चेंज होना है, हमने खुद अपने लिए मिलकर पाकिस्तान को ग्रो करना है। हाँ एग्जैक्टली, तो ये बड़ा एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, नाम बड़ा अच्छा था, ग्रो पाकिस्तान। तो कैसे ग्रो करेगा हमारा पाकिस्तान हमारी यूथ से? तो यूथ को क्या करना है, घर बैठ के ये नहीं सोचना कि जॉब्स तो है नहीं, मैं क्या करूँ, सब नहीं कर रहे, सबको नहीं मिल रही, तो सब नहीं कर रहे ना, तो आप निकलिए, आप अपने आइडियाज लेके आइए, पुट कीजिए छोटे छोटे सोशल मीडिया, बड़ा आपको आपको परफॉर्म करने का मौका दे रहा होता है कि आप अपने पेजेस बना लेते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ आप सेल कर रहे होते हैं,
तो ऐसा नहीं है। और आप मॉडलिंग के अलावा कुछ करती हैं? सिर्फ मॉडलिंग करती हैं? जबरदस्त। मैडम ने कहा कि एक्टिंग की तरफ जाना चाह रही हैं, तो वो तो बड़ा हार्ड जो है ना काम है। आपने कहा मॉडलिंग बड़ा लाइट सा काम है, हाँ, तो जाए। नहीं जी, वो मुश्किल काम कैसे करेंगे? लाइट मॉडलिंग नहीं, मुझे ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मॉडलिंग ज्यादा मुश्किल काम है। मॉडलिंग आपको, आप बोलते नहीं हो, आपकी ड्रेस आपकी थीम बताती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। एक्टिंग भी मुश्किल है, ऐसा तो है ही नहीं कि कोई काम मुश्किल ना हो, लेकिन एक्टिंग में क्या होता है कि आप बोल के बताते हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। एग्जैक्टली तो मतलब मॉडलिंग ज्यादा मुश्किल काम है, ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मॉडल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं हमारी फील्ड में। हाँ, अब तो हर कोई मॉडल बनना चाहता है। एग्जैक्टली तो आपने ऐसे मॉडल देखे हैं जो मॉडल नहीं बन सकते थे लेकिन मॉडल बन गए? हाँ, मैंने देखे हैं। जिनका मैंने नाम लिया उन्होंने खुद बोला था कि जब वो स्टार्टिंग में आई थी यहाँ पे तो हर किसी ने उनको डिग्रेड किया था। एक ये बहुत ज्यादा होता है कि आपके सराउंडिंग्स वाले आपको जो है वो आगे नहीं बढ़ने देते, ठीक है? तो उनको किस चीज पे कि उनका कलर कम्प्लेक्शन डार्क था, तो उनको इस बात पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज। एग्जैक्टली, और आज वो मॉडल है कि जिनके बगैर कोई फैशन शो नहीं होता। ऐसे ट्रू है, टॉप मॉडल। अच्छा, आपने देखा होगा मॉडलिंग में हमारी जो शो स्टॉपर जो होती है, मेन जो एक मॉडल होती है, वो अब हमने एक्ट्रेसेस लेना शुरू कर दिया। वो तो ऑलरेडी काम कर रही है, स्क्रीन पे है, तो आपको नहीं लगता मॉडल्स थोड़ा पीछे रह गई? क्योंकि हमको एक ही राइट होता था कि शो स्टॉपर मुझे बनना है, जो बेहतरीन टॉप 10 मॉडल्स में से होती थी वो शो स्टॉपर बनती थी डिजाइनर। अब ये हमने चेंज कर दिया, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि उनको तो फेम की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन नए आने वाले जो लोग हैं उनको मतलब आगे आने देने का मौका मतलब चाहिए होता है, आगे आने का, तो उनको आगे आने देना चाहिए। हाँ। तो ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। एक्टर एक्ट्रेसेस जो काम करे वो करे, ये जो शो स्टॉपर वाला काम है, टॉप 10 मॉडल्स जो हमारे यहाँ होती है माशाल्लाह से, जो नए आते हैं वो भी बनते हैं एक प्रोसीजर के बाद काम करके, तो ये उनको दे। आपको क्या लगता है, शो स्टॉपर कोई एक्ट्रेस होनी चाहिए, एक मॉडल ही होनी चाहिए? एक मॉडल ही होनी चाहिए। एक मॉडल होनी चाहिए, तो आप खुश नहीं है अगर कोई एक्ट्रेस वो शो स्टॉपर बन जाती है? वो आगे इतनी होती है तो फिर मॉडलिंग अगर मायरा खान बन जाए तो कोई कम्प्रोमाइज नहीं, नापसंद अपनी जगह लेकिन कोई कम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। मैम, आपसे पूछेंगे आज के दौर में हम अपने सिंगर्स को कितना प्रमोट कर रहे हैं, कितना हेल्प कर रहे हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स उनको दे रहे हैं? जितना भी काम हो रहा है ये अपने आप को खुद प्रमोट कर रहे हैं, ये मेहनत खुद कर रहे हैं, मेहनत खुद पर बहुत अच्छा कर रहे हैं सब, लेकिन प्रमोट अच्छा कर रहे हैं। सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे काफी ज्यादा हमारे सिंगर्स आगे आ रहे हैं। कुछ तो इनके लिए, इनके वो जो होते हैं प्रमोटर, वो तो खैर इनके पास वो है नहीं, तो बहुत मुश्किल से कर लेते हैं बेचारे जैसा भी है, लेकिन इनके लिए कुछ होना चाहिए, इनके लिए होना जरूरी है। हाँ। अगर आप करेंगे तो पाकिस्तान में तो बहुत टैलेंट है, इतने बेहतरीन सिंगर है, लेकिन कभी उन्हें मौका ही नहीं मिला किसी भी बड़े चैनल पे बैठने का या किसी भी अच्छे कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने का, तो उनको भी मौका दीजिए। जैसे मैम कह रही है वो बेचारे खुद से, ज़राए बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ज़राए नहीं है, ये आप सही कह रही है। चले वापिस आते हैं दर्द बड़ी कहानी की तरफ। जी, आज मैंने नाम रखा हुआ है क्योंकि हम साथ साथ मेडिसिन की भी बात करें, तो आप कैल्शियम की बात कर रहे थे, कैल्शियम क्या है, क्या इसके नुकसानात, हमने तो फायदे सुने हैं कैल्शियम के, ये नुकसानात क्या है, जरा बताएंगे आप हमें? असल में जो है हर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। कैल्शियम जो है ना, पाकिस्तान में एक स्टडीज कंडक्ट हुई थी, 98% मेन एंड वुमेन में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ठीक है, और हमारा जो स्केलेटल बना है वो कैल्शियम से ही जो है ना मेजर है, तो कैल्शियम तो हर एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, बड़ा है, छोटा है, टीन एज है, ओल्ड एज है, तो उन हर एक को मेडिकल कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एक और जो चीज़ होनी चाहिए, कैल्शियम मस्ट बी कैल्शियम रेदर देन रॉक्स, कैल्शियम को कैल्शियम ही होना चाहिए, ना कि जो है ना वो एक पत्थर जो है ना, स्टोन जो है ना वो हो। तो हमारे यहाँ कैल्शियम मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब हर एक बंदा जो है ना अभी देखते हैं कि वो यार आपको डिहाइड्रेशन हो गई है, ठीक है, तो वो एक टैबलेट जो है ना वो पानी में डाली, ठीक है, और वो पीना शुरू कर दिया, तो नहीं पीना चाहिए। अब वो आप देखें कि वो डायबिटिक पेशेंट है फोर्डलेट से, ठीक है, या कार्डिक पेशेंट है, या किडनी स्टोन का पेशेंट है, वो भी ये पी रहा है। उन्हें ऐसे पेशेंट्स को जो है ना सेल्फ मेडिकेशन, अगेन मैं कहूँगा, नहीं यूटिलाइज करनी चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी ऑलरेडी शुगर जो है ना वो कंप्रोमाइज कर रही होती है, कभी अप कभी डाउन, तो जब वो ऐसी मेडिसिन जो है ना वो शुगर के लिए जो है ना वो यूज करेगा तो उसकी फौरन शुगर हाई भी हो सकती है। अच्छा, ये कैल्शियम की जो हम पानी में डाल के मिक्स करके पीते हैं, एक विदाउट विद शुगर होती है ना, विदाउट शुगर तो भी अवेलेबल है, अगर आप वो शुगर वाली यूज कर दें तो आपकी शुगर लेवल हाई भी हो सकती है, तो आपको जो है ना फायदे के नुकसान हो सकता है।
ठीक है, ये नुकसान की तरफ। इसलिए जो है ना, वो आप कोई भी डॉक्टर से रिकमेंड्स करवाएं कौन सा कैल्शियम आपको यूज करना है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें, देन वो कैल्शियम आप यूटिलाइज करें, उसके आपको बेनिफिट्स होंगे। इसी तरह जो है ना, हमारे कार्डिक पेशेंट जो है वो कैल्शियम बहुत ज्यादा यूज करें, वो भी यूज करें, उन्हें कैल्शियम जो है ना रिकमेंड्स नहीं किया जा रहा होता। और कुछ कैल्शियम ऐसे मार्केट में अवेलेबल है जो आपके क्लासिफाइड प्लॉक्स बिल्डअप कर देते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, उनकी ऑलरेडी वेन्स जो है ना वो ऑलरेडी शॉर्ट होती है उनके जो है ना, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन उनकी ऑलरेडी कंप्रोमाइज कंडीशन में होती है। तो ये कुछ कैल्शियम जाके ब्लड वेसल्स को उससे मजीद जो है ना कंप्रोमाइज कंडीशन को ज्यादा जो है ना डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसी हवाले से इसी तरह जो है ना, अभी एक जैसे मैंने कहा कि एक्सेसेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो कुछ कैल्शियम है हमारे किडनी स्टोन के हवाले से जो पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, एक स्टडीज कंडक्ट हुई उसमें 5 किडनी स्टोन के पेशेंट्स को जो है ना उनके स्टोन रिमूव किया गया, तो उसमें जब उन्हें एनालिसिस किया गया 4 स्टोन जो है ना कैल्शियम के एक्सेस कैल्शियम यूज करने की वजह से वो बिल्टअप हुए हुए थे। और ऐसे पेशेंट जो किडनीज के प्रॉब्लम के किडनी फेलियर या किडनीज उन्हें प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को भी कैल्शियम यूज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये फिर सर बात आ जाती है सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन आगे वो किडनी जो है वो कैल्शियम यूज करेंगे जाके वो किडनी में स्टोन बिल्टअप कर देगा, अगेन वो अभी उन्होंने रिमूव करवाया अलर्ट से जो है ना वो फिर बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को वही बात आ गई कि आपको कोई भी मेडिसिन जो है ना डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के साथ यूटिलाइज करें। और ये अवेयरनेस थी जो आज हमने आपको दी है, ये अवेयर हो जाइए काइंडली, जैसे हमें बता रहे थे मोहम्मद ताहिर बता रहे थे, काइंडली इन चीजों को गौर कीजिए। और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ये बाद में बड़ी नुकसानदायक हो जाती है, बाद में प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो आप अवेयरनेस रखिए कि आपको खुदा ना खासा अगर कोई बीमारी, आपको कैल्शियम लेना भी है या नहीं लेना, अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं तो आप जरूर लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें इन पर गौर करना भी जरूरी है। तो लाइबा मुझे बताइएगा, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करें या आगे पढ़ने का शौक है, क्लास में कैसी है, अच्छा पढ़ती है? फेवरेट टीचर कौन है? मिस मायरा, उनका नाम भी मायरा का नाम मायरा, इन्होंने सिलेक्ट किया होगा कि फेवरेट जिनका नाम मायरा होगा वो फेवरेट हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, पर मेरी मिस हुई है। अच्छा, तो कौन से पढ़ाती है वो? हाँ, वो मुझे क्या नाम है, मैथ। मैथ, अच्छा मैथ पसंद है आपको? मैथ पसंद नहीं, टीचर पसंद है। चलो ये भी किसी हद तक ठीक बात है कि चले अगर टीचर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं दिल लगा के बंदा पढ़ेगा। अच्छा मुझे बताएं कि आगे क्या करना चाहती है, कुछ प्लान किया है स्टडी को लेके? स्टडी को लेके तो आगे तो पढ़ना ही है, पर मुझे ना इस फील्ड में आना है। इस फील्ड में आना है, इस फील्ड में अगर आपको आना है ना तो आप अपनी स्टडी जरूर कंप्लीट कीजिए ना, ताकि आपको अच्छी और बुरी चीज की तमीज रह सके। हाँ, और पढ़िएगा इसी तरह, एनसीए में एडमिशन ले लीजिएगा, ये आप फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि आपने आर्ट्स रखे और आपका ताल्लुक भी शोबिज से है, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कि मेरा एमए मशवरा है, लेकिन आप वही कीजिएगा जो आपका दिल करेगा, जो आपके लिए आसानी होगी, ताकि आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े। क्योंकि हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो अपने दोस्तों को देखे ना एफएससी में एडमिशन ले लेते हैं, आगे उन्होंने करना डॉक्टर शॉक्टर कुछ इंजीनियरिंग में ले लेते हैं, आईसीएस में ले लेते हैं। हमारे हाँ, हमारी फैमिली में एक बच्ची थी, उसने आईसीएस का कहा, तो मैंने पूछा आपको पता है आईसीएस क्या, तो खामोश होकर मेरा मुंह देख रही, तो मैंने कहा क्यों कह रही है आपने आईसीएस करना है ना, कोई रीजन तो होगी। कह रही मेरी फ्रेंड एडमिशन ले रही है ना, इसलिए मैं भी ले रही हूँ। तो भाई ऐसे ना कीजिए, अगर आपको नहीं पता तो आप आईसीएस में भी एडमिशन ला लीजिए, आसानी की तरफ जाइए, जिस सब्जेक्ट में आप दिल लगा के पढ़ते हो और आपको लगता है मैं बेस्ट हूँ वो करना, या फ्रेंड्स कह रहे होते हैं या पेरेंट्स कह रहे होते हैं, और पढ़ना जरूर, अपनी स्टडी मत छोड़ना। ये मैं आपको एडवाइस भी कर रही हूँ कि अगर आप पढ़ोगे ना तो आप ज्यादा ग्रूम होगी और ज्यादा जल्दी आगे बढ़ोगे, आपको अच्छे बुरे की भी तमीज आ जाती है, तालीम किसी ना किसी हद तक आपको ये सिखा देती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अब प्लान कर लेना क्या पढ़ना है आपने, अच्छा ये जाने के बाद, इस शो के बाद आज आपने प्लान भी करना है, ठीक है। और मैम आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे सिंगर्स हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही कि बस मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, जिस जहाँ भी हैं अल्लाह ताला उनको अपने ईमान में रखे, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस जी। और अरूज क्या कहना चाहेंगी नए आने वाले लोगों को, क्योंकि आप खुद भी यंग है, आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या मुश्किलात होती हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या मैसेज देंगी आप? एक मैसेज दूंगी सिर्फ छोटा सा, कि इन लोगों को क्रेजी नहीं होना चाहिए, क्रेजी नहीं होना exactly, चाहिए, क्रेजी नहीं होना चाहिए। पैशनेट होना एक अलग चीज है, लेकिन क्रेजी हो जाना किसी चीज के लिए वो एक अलग चीज है, कि मुझे फॉरेन से फेमस होना है। बिल्कुल exactly, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में मतलब जो है वो स्टार बन के सबके सामने आ जाओ और पूरी दुनिया आपको जानने लगे, तो इसमें टाइम लगता है, वक्त के साथ साथ आपको सीखना पड़ता है सब कुछ। तो ये कि क्रेजी नहीं होना चाहिए, और सेल्फ प्रमोशन बहुत जरूरी है, सेल्फ प्रमोशन एग्जैक्टली,
तो आप खुद जब तक अपने आप को प्रमोट नहीं करते, कोई भी आगे बढ़ के आपका हाथ पकड़ के, वही बात है कि सड़क पार जिस तरह ना करवा सकता कोई आपको, तो उसी तरह इसमें ये तो फिर एक चीज है। ये बड़ा जरूरी है, जो आप काम कर रहे हैं, और हंसी खुशी हमने एक शो किया है जी लाइट मूड में, ताकि सब हैप्पीली शो करके जाएं। सैटरडे है तो इसलिए तो अवेश क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो कोहिनूर टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस तरह के यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। ये यूथ ही हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर है, इन्होंने ही आगे लीड करना है। आज आप देखें आपके पैनल में ज्यादा यूथ है, मैं आपको ना भी काउंट करूं तो फिर भी हम तीन लोग बैठे हैं। जनाब हर बंदा यूथ में शामिल है, जो पैशनेट है अपने काम के लिए, जो एक्टिव है अपने काम को लेके, जो पॉजिटिव है सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, हर वो यूथ में शामिल है। मैसेज मेरा यूथ के लिए, अपने जैसे लोगों के लिए यही है कि आप अपना रोल प्ले करें, ठीक है, और उसके बाद जो है ना, हम खुद सिग्नल तोड़ के जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यार पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, या रूल जो है ना उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। खुद अमल कीजिए पहले खुद यहाँ से आपने बात स्टार्ट की थी कि पहले खुद आप अमल कीजिए, खुद को बदलिए, फिर तब्दीली आएगी। जनाब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोहे नूर का जो है शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपका शुक्रिया है कि आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है ना आज अरेंज किया। और यूथ के हवाले से जैसे बात कर रहे हैं, तो मैं अपने यूथ से, यंग जनरेशन से कहना चाहूंगा कि दौलत हासिल करने के लिए अपनी सेहत को जो है ना खुदारा कंप्रोमाइज ना करें, ठीक है। और आखिर में हम दौलत तो हासिल कर लेते हैं, जब दौलत आ जाती है फिर सेहत पाने के लिए हम दौलत को लुटाना शुरू कर देते हैं। ऐसे है, तो इसीलिए जो है ना अपने बैलेंस लाइफ को लेके चले। अभी यंग है, हर बंदा जो है ना एनर्जेटिक है, और ऑब्वियसली अपने फ्यूचर के लिए, और आता है कि हम फ्यूचर के लिए अपने हाल को अपना कंप्रोमाइज ना करें, ठीक। और लास्ट में हम जब जाते हैं तो फिर फ्यूचर में जाके हम अपने माजी को याद करके रो रहे होते हैं, तो बेहतर है कि बैलेंस लाइफ को जो है स्पेंड करें। और अपनी बहुत शुक्रिया जो मेरे शो में आ जाए, मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया रूज, आपका बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, जो आप काम करिए आपकी स्टडी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मजीद अच्छा काम कीजिए, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, खुश रहिए, अपना अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। और हम प्रोग्राम